टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज फिर से एक खूबसूरत दिन, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं इन दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला आज का दिन और आने वाले सारे दिन बहुत अच्छे गुजरें। इमरान अब्बास, इस नाम से तो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। इमरान जितने बेहतरीन एक्टर हैं, एक सुरीले सिंगर हैं, उतने ही स्टाइलिश मॉडल भी हैं। लेकिन अब इमरान की इन सब सलाहियतों और डैशिंग पर्सनालिटी को मद्देनज़र रखते हुए 2021 के 100 खूबसूरत तरीन चेहरों में शामिल किया गया है। सो कंग्रेचुलेशन इमरान खान, और आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। इमरान अब्बास, मैंने क्या बोला सुबह सुबह क्या हो गया मुझे खान साहब क्यों याद आना इतने मेरे। अच्छा, खास तौर पे होता है कि जहाँ हमारे मुंह से इमरान निकलता है तो फ्लो में हमारे मुंह से खान साहब भी निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है? आपके साथ होता है ऐसा? क्योंकि खान साहब बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। हाँ, ये बात तो है, मैं तो वोट देने भी गई थी। अच्छा जी, और साथ साथ एक और ख़बर आपके साथ शेयर करती चलूँ कि दो बार एकेडमी अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चुनाव को ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द पीपल्स पोर्टफोलियो ने अपनी दस्तावेजी यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के ज़रिए मुतासर कुन क़यादत, ग्रेट करेज और इंसानियत से हमदर्दी के लिए अवार्ड दिया गया है। शर्मीन उबैद चुनाव को ये अवार्ड ख़वातीन के हुकूक के हवाले से गैर मामूली फिल्म और इनकी बेहतरीन डायरेक्शन पर दिया गया है। तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत तहे दिल से मुबारक हो इस अवार्ड के लिए। जी अलवीना, आप बताइए। जी ये जिस तरह आपने शर्मीन उबैद चुनाव का जिक्र किया, इमरान अब्बास का भी जिक्र किया, इमरान अब्बास के हवाले से ऐड करते चलूँ कि मैं पहली खबर हमारे लिए नहीं है, और भी हमारे बहुत सारे खूबसूरत लोगों को इसी तरह खूबसूरती की फहरिस्त में शामिल किया गया है। तो एक बार फिर से हमारे पाकिस्तान से कोई खूबसूरती की फहरिस्त में शामिल है, और नो डाउट इमरान अब्बास जो हैं वो इस काबिल हैं कि आप उनको इस लिस्ट में हम शामिल होते देखें। साथ ही साथ शर्मीन उबैद चुनॉय के हवाले से जहाँ पर बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है। जब उन्होंने पहली बार ऑस्कर अवार्ड लिया, उस पर भी उनका क्रिटिसिज्म था, काफ़ी सारे लोगों का क्रिटिसिज्म। की वजह ये थी कि जो अवार्ड उन्होंने जीता वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है पोर्ट्रे करके उन्होंने जीता, और ख़वातीन को जहाँ पर उन्होंने कमज़ोर दिखाया वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत मजबूत ख़वातीन भी हैं। पाकिस्तान में फातिमा जिना साहिबा जैसी ख़वातीन भी पाकिस्तान से ही रहीं, और बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो है बानो कुदसिया साहिबा और बहुत सारी एग्जांपल्स रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इमेज दिखाना पाकिस्तान का जहाँ पर औरत अपने राइट्स से डिप्राइव्ड हो, बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ़ हुई। बहरहाल बढ़ेंगे आगे दूसरी खबर की जानिब जो कि व्हाट्सएप के हवाले से है। हम सब की ज़िंदगी का एक पिविटल एक हिस्सा है व्हाट्सएप, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हों, क्योंकि आजकल की जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें ये हमारे साथ एक मैंडेटरी हिस्सा इसका हो गया है हमारी लाइफ में। अब इसमें एक ऑप्शन है जो कि आपने देखा होगा, डिलीट ऑल का भी है। अपनी चैट करें, जो आपको बात करनी है कन्वे कर दिया आपने मैसेज और आपने चैट को डिलीट कर दिया, अगर आप प्राइवेसी बरकरार रखना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और ऑप्शन अवेलेबल है डिसअपीयरिंग मैसेजेस का, जो कि आपकी चैट को लगभग 3 माह के अंदर अंदर जो है वो कम्प्लीटली वो हटा देगा। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं आपके प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्राइवेसी का ये मतलब नहीं होता कोई ऐसा कंटेंट जो कि खुदा ना खास्ता ऑब्सीन हो, प्राइवेसी का मतलब ये भी होता है कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात जो आप लोग छुपाना चाहते हो, या फिर जो कोई स्टेट के साथ कोई सेंसिटिव गुफ्तगू जुड़ी हो, या आपकी पर्सनल फैमिली मैटर्स की हो। तो ये सारी बातों की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। और साथ साथ आपको बताते चलें कि आज के शो में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जनाब, आज हमारे फिटनेस के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे फिटनेस एक्सपर्ट, जिनसे हम बात करेंगे हार्ड कोर एक्सरसाइजेस पे, यानी कि अगर आपको बहुत जल्दी वज़न कम करना है तो ऐसी कौन सी हार्ड कोर एक्सरसाइजेज हैं जिनके ज़रिए आप बआसानी और जल्दी अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हुस्न के राज के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जावेद आलम,
जो हमें दिखाएंगे फिलर ट्रीटमेंट और उसके बारे में हमें बताएंगे। और साथ साथ किचन क्वीन तो हमारी हर शो की जान है, हमारे शो में मौजूद होती हैं, उनके बगैर हमारा शो जो है वो अधूरा होता है। लेकिन आज मुनीजा हमें सिखाएंगी कि हम लेफ्ट ओवर फूड से, यानी कि जो खाने बच जाते हैं और अक्सर हम सोचते हैं कि उनका हम क्या करें, तो उनका क्या करें, इस सवाल का जवाब देंगी आपको हमारी शेफ मुनीजा। और आखिर में हमारा सेगमेंट होता है दिल की बात, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर कोई लेता है, लेकिन क्या ऐसा सही है कि नहीं, यानी कि बदला, रिवेंज। रिवेंज कल हम लोगों ने धोखे पे बात की और आज हम बदले पर बात करेंगे कि जहाँ पर धोखा एसोसिएटेड होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं बात को, वो कहते हैं मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, उसके लिए एक ताक में बैठे रहते हैं कि हमें बदला लेना है। ठीक है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर जैसे हम लोग ब्रेक से वापस आते हैं प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो जनाब अब हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुआ है फिट रहें स्मार्ट लगें, और आज के जो फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है अयाज खान। तो आइए उनसे पूछते हैं कि कोर एक्सरसाइजेज और हार्ड कोर एक्सरसाइजेज क्या हैं और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अयाज, एक्सरसाइजेज के ऊपर बात करेंगे तो अयाज फोकस हमारा कोर एक्सरसाइजेज के ऊपर होगा। पहले अयाज मुझे बताइएगा कि हार्ड कोर और कोर एक्सरसाइजेज में डिफरेंस क्या है। अच्छा, हार्ड कोर जब हम कहते हैं तो इट मीन्स इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें यूजुअली ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज होती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज, सारे मसल्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब हम कोर की बात करते हैं तो कोर में एक मिसकंसेप्शन है कि शायद सिर्फ एब्स होंगे। कोर की सिंपल एग्जांपल ये होती है कि अगर आप लिम्ब्स, हाथ पैर को अलग कर दें तो सेंटर जो बच रहा है वो कोर कहलाता है। तो अगर आप जनरल कॉन्सेप्शन है कि ये कोर की एक्सरसाइज करनी, तो उसमें एब्स और ओब्लिक्स की इंक्लूडिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपका लोअर बैक भी इंक्लूड हो जाता है। यानी कि हार्ड कोर एक्सरसाइज पूरी ऑल ओवर द बॉडी की एक्सरसाइज होती है, और अगर हम सिर्फ कोर एक्सरसाइज की बात करें तो हमारा सेंटर बॉडी पार्ट पूरा आ जाता है। सही, तो आप मुझे बताइए कि कोर एक्सरसाइजेज में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज शामिल हैं। नहीं, कोर एक्सरसाइज में अगर हम लोग काउंट करने बैठे तो अच्छी खासी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी हैं, जिसमें मेनली आती हैं एब्स के एक्सरसाइजेज, ओब्लिक्स के एक्सरसाइजेज, जिसमें क्रंचेस बहुत कॉमन है, लेग रेजेस कॉमन है, उसकी वेरिएशंस होती हैं, साइड ट्विस्ट हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि जब हम एब्स की बात करते हैं या कोर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सेंटर का रीजन आता है। एग्जैक्टली, जिस तरह अयाज यू टॉकिंग अबाउट मिसकंसेप्शन, और यही जनरली समझा जाता है कि कोर मीन्स आपका फ्रंट एब्स वाला पोर्शन, लेकिन कोर की जब हम बात करते हैं आपका जो बैक की जो है स्ट्रेंथ डिवेलप करने के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पर हम स्ट्रेंथ की बात करें, क्या ये ऑल्टरनेट नाम दुरुस्त होगा कि कोर यानी स्ट्रेंथ डिवेलप करना? कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ जितनी भी आती है, पावर जितनी भी आती है बॉडी की, वो कोर से ही आती है। इवन आप पंचेस भी अगर लगाएंगे तो कोर से ही डेवलप होगा। अच्छा, ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको कोर एक्सरसाइजेस के लिए एक एक, एक फ्यूल जनरेट कर सकते हैं? क्या करना है आपने, क्या कोई पर्टिकुलर वर्कआउट है या आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप कोर में अच्छा परफॉर्म करें? देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो फुल बॉडी एक्सरसाइजेज हो जी, इसमें आपकी कोर की इन्वॉल्वमेंट हो। लेट्स से अगर आप आर्म्स भी लगा रहे हैं तो आपने देखा होगा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं इसमें मूव्स ज़्यादा होते हैं, जिस तरह आपने वर्ड यूज़ किया था हार्ड कोर का जी। तो इस टाइप की एक्सरसाइज होंगी तो कोर अल्टीमेटली कनेक्टेड रहेगा, स्ट्रांग होगा, वो साथ में कनेक्शन बना रहेगा उसका। सही। अच्छा, ये डेडबर्ग एक्सरसाइज जो होती है तो ये क्या आपके खाली सेंटर कोर को इफेक्ट करती है या फिर पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्टिव होती है? ये भी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है। ये हो गई प्लैंक, हो गई, इस तरह की जितनी मूवमेंट्स हैं ये ओवरऑल बॉडी पे ही काम कर रही होती है। ये होता है कि कुछ पार्ट्स पे कम इम्पैक्ट होता है, कुछ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लेकिन कोर की है तो सेंटर पे ज़्यादा आएगा। कोर की अगर डेड बग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो वो सेंटर बॉडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। अगर कोई शख्स जो ये एक्सरसाइज करना चाहता है वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, लाइक ओबीस में आता है, तो क्या उसके लिए करना आसान है, लाइक साइड प्लैंकिंग या फिर डेड बग एक्सरसाइज? उनके बल नहीं पड़ जाएगा करते करते, मुझे तो ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, हम इसीलिए इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती है। कोई भी जनरल एक्सरसाइज नहीं होती कि मैं हर एक को रेकमेंड कर दूं कि नहीं ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप नॉर्मल वेट में हैं तो कर सकते हैं, वरना जनरली तो हम लोगों को एक सजेस्ट करते हैं कि पहले आप वॉक से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ाएं, वंस आपने लूज़ कर लिया थोड़ा बहुत वेट फिर आप जनरल एक्सरसाइज में आना शुरू कर दें, और फिर आपने जो हार्ड कोर का वर्ड यूज़ किया था फिर उस तरफ चले जाएँ। यानी कि अगर हम कहें कि अगर किसी को 2 महीने में या 1 महीने में अपना वजन कम करना है तो ये एक्सरसाइज करके, जिसमें आप आई थिंक हार्ड कोर भी आप शामिल करेंगे डेफिनेटली कोर के साथ साथ, तो कितना अर्सा लगेगा और कितना वजन कम कर सकता है?
देखें हार्डकोर का मतलब सख्त होता है, यानी सिंपल जी। असल में ये कहना बहुत मुश्किल है कितना होगा, लेकिन जो साइंस कहती है आइडियल जो लूज़ करना है हेल्दी वे में, वो 4 से 5 kg इन अ मंथ है। अच्छा, लेकिन ये होता है कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी का बहुत जल्दी ज़्यादा होकर पहुँच जाता है, किसी का बहुत देर से होता है, किसी का स्टबन फैट भी होता है। बिल्कुल होता है। तो उसके लिए क्या किया, जो कि बाज़ दफ़ा देखा भी जाता है अमूमन ऐसे कि 3 से 4 महीने हो जाते हैं, लेकिन अगर वेइंग स्केल पे आप खड़े हो तो आपका जो आपका जो कांटा होता है वो कहते हैं ना हिलता नहीं है अपनी जगह से, और वहाँ आपकी हिम्मत टूट जाती है। अच्छा, उसके 2 reasons होते हैं। एक सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट है डाइट, कि हम सारा फोकस करते हैं कि नहीं खाएंगे पियेंगे सब, लेकिन बस एक्सरसाइज बता दें वो करने से काम ठीक है। एज आई विल ब्रिंग यू बैक टू द कोर एक्सरसाइजेस, हमारा मौजू कोर एक्सरसाइजेस का, तो कोर के ऊपर बता दें, कोर के ऊपर कैसे फोकस करना है और कोर एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं ज़रा वो बता दें। और कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं क्या, कि पर्टिकुलर कुछ वज़न के लोगों को ये नहीं करनी मूव्स, या फिर किस किस उम्र के लोगों को कोर एक्सरसाइजेस ज़्यादा फीजिबल रहती हैं? देखिए, परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको मॉडिफिकेशन बताऊँगा कि इसको एक्सरसाइज को किसी भी एक्सरसाइज को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से हम प्लैंक्स कर रहे हैं और मैं अभी इतना अच्छा नहीं हूँ या मेरा वेट बहुत ज़्यादा है प्लैंक करने के लिए, तो मैं कहीं पे भी होल्ड कर सकता हूँ। आई कैन डू द होल्ड्स ऑन द वॉल एज वेल। मैं वॉल पे होल्ड कर लूँगा थोड़ा सा पीछे करके, सर पुशअप वाली पोजीशन होती है, या मैं अगर प्रॉपर फ्लोर पे कर रहा हूँ तो मैं नीज टिका लूँगा अपनी, बजाय मैं पूरे आर्म्स के करूँ मैं सिर्फ एल्बो से कर लूँगा, इस तरह से उसकी ड्यूरेशन कम कर दूँगा। जैसे आपने पहले बताया था कि ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से इंटेंसिटी कम की जा सकती है उसकी। इंटेंसिटी कम की जा सकती है, पर्टिकुलर कौन सी एज वाले जो हैं वो हाई इंटेंसिटी को मेंटेन रख सकते हैं, और ये भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, किसी भी एज में कोई भी एक्सरसाइज की जा सकती है, डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कब कर रहे हैं। अब लेट्स से हम लोग करते रहते हैं, अब हम लोग लेके जाएंगे उस एज तक करते रहेंगे तो हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो स्टार्ट कर रहा है उसको बहुत, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप वॉक से और बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें, ताकि आपके छोटे मोटे जो मसल्स होंगे वो डेवलप होना स्टार्ट हो, वो इस लोड को बेयर करना स्टार्ट करें। आपको पता है आजकल की लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव हो गया है, उसमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। वंस वी आर एक्टिव, उसके बाद हम कोई भी एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पहले हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक से स्टार्ट करें, एंड देन फिर हम जो है वो इन एक्सरसाइज की तरफ आएँ, जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। और ये मैं फिर से एक बात कहूँगी, आई थिंक आप भी इसी से डेफिनेटली एग्री करेंगे कि ये अंडर सुपरविजन करनी चाहिए, खुद से आप घर में ट्राई कर सकते हैं या नहीं? खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जहाँ पे भी आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है फॉरन कॉन्टैक्ट करें किसी बंदे से जो कि आपको गाइड कर सकता है। आई वुड सजेस्ट अ फिटनेस एक्सपर्ट, उनसे आप रब्ता करें फिर बताएंगे। क्योंकि बात सब, अगर आप गलत पॉस्चर्स जो हैं वो कर लेते हैं तो उससे आपको इंजरी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। सपोज़ अगर हम बात कर रहे थे साइड प्लैंकिंग की, तो बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि जब साइड प्लैंकिंग कर रहे होते हैं तो कुछ लोग रिस्ट भी अपनी उठा लेते हैं और सिर्फ इसके रिस्ट के ऊपर कर रहे होते हैं, आर्म उठा लेते हैं, अपनी एल्बो उठा लेते हैं, तो उसमें भी इंजरी का ख़तरा रहता है? अगर कोई एक नया शख्स कर रहा है जो जिसको आदत नहीं है, वो कैसे? ये इसी की मॉडिफिकेशन ही यही कि आपको एल्बो उठाने की ज़रूरत नहीं है शुरू में, आप जो है एल्बो लग के करें, क्योंकि आप ज़्यादा जॉइंट्स को यूज़ कर लेंगे तो जाहिर बात है इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टार्ट में ड्यूरेशन कितने सेकंड्स का होगा इसका? ड्यूरेशन तो आप 5 से 10 सेकंड्स से स्टार्ट करें। इट मे लुक लाइटर, लगता है ऐसे बहुत कम ड्यूरेशन है, लेकिन स्टार्ट यहीं से करें। डिफिकल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको पूरी बॉडी को बैलेंस करना है एक साइड पे। बाद अवकात उस टाइम पे काम हो जाता है, लेकिन लेटर ऑन पेन ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा, प्लैंक की जहाँ पे बात हो रही है, क्या जितना हम प्लैंक करते हैं तो क्या उससे कोर आपका स्ट्रॉन्ग होता है, क्या आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं उसमें? बिल्कुल, एक वर्ड होता है एंड्योरेंस, वो डेवलप होती है आपकी, आप उसमें जितना ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे वो आपकी टॉलरेंस बढ़ती जाएगी उसकी। और क्या क्या हम कर सकते हैं कि हमारा कोर जो है वो मजबूत हो? देखें, इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं बड़ी कॉमन से एक्सरसाइज हैं, लेट्स से पुशअप्स, पुशअप्स भी कोर को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत निगलेक्टेड है ये एक्सरसाइजेज। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, ट्विस्टर्स कहलाते हैं, हम बॉल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बगैर बॉल्स के भी कर सकते हैं जी। और बर्ड डॉग पोस्चर जो है वो कितना इफेक्टिव होता है पूरी बॉडी के लिए? देखिए, सारे ही सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत इफेक्टिव है। और बर्ड डॉग भी आपके कोर के लिए ही है या ओवरऑल बॉडी के लिए है? इसमें बाकी बॉडी का यूज़ कम होता है, कोर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, अयाज से गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि मज़ीद और कौन से ऐसे वर्कआउट्स हैं जो आपकी कोर को मजबूत कर सकते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे ट्रेनर दानिश वजीर ने। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ऑल गुड। वेलकम टू द शो। थैंक यू दानिश। आज आप हमें बताएंगे कि प्लैंक्स 3 तरीकों से किस तरह से किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है, तो हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करें।
अच्छा पहले हम बिल्कुल नॉर्मल प्लैंक बताएंगे कि जो ऑलरेडी फिट हैं या कम इंटेंसिटी सॉरी हाई इंटेंसिटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है करें जानी ठीक है। इसमें आइडियल तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा हिप्स को रेज करें, ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। सही। बहुत नीचे जाएंगे तो आपकी स्पाइन पे स्ट्रेस आएगा, अगर आप बहुत ऊपर हो जाएंगे तो बहुत इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा आपका हिप पार्ट जो है वो नीचे रहना चाहिए एक स्ट्रेट लेवल में। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेट्स से कि आपने ओवरवेट की बात की थी, अगर ये नीज नीचे कर दें, नीज टिका दें बिल्कुल, यहाँ से करना स्टार्ट करें, ये हमें बहुत इजी लग रहा है। बॉडी को थोड़ा सा उठा लें आहिस्ता आहिस्ता ताकि ग्रेजुअली उनको प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें ये एल्बो उठा भी सकते हैं, एल्बो रेस करके करें आप, ठीक है इस तरह भी कर सकते हैं। इट मे लुक इजी, हल्का लग रहा है, आसान लग रहा है हमें, लेकिन जो ओवरवेट होंगे उनके लिए काफी डिफिकल्ट। मैं यही सवाल करने वाली थी कि जिनका वेट 80-90 या 70 केजी है, जो फीमेल्स का स्पेशली, या जिनकी टमी बाहर है ज़्यादा, वो कैसे कर सकते हैं ये? वो इस उनके लिए ही मॉडिफिकेशन है ताकि उनको बॉडी से वो दूर रखे। वैसे देखने में तो बिल्कुल ही लग रहा है कि शायद प्रेशर आएगा ही नहीं, आएगा क्या वाकई? बिल्कुल आएगा, लेकिन ओवरवेट जो है वो अच्छा खासा वेट लेके बैठे हुए। अच्छा। हम लोग जो करेंगे वो बगैर पेट के करेंगे, वेट के करेंगे, तो हमें इतना फील नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को डेफिनेटली होगा। ठीक है नेक्स्ट बताइएगा। साइड प्लैंक, ये साइड प्लैंक में बता रहे हैं आप। साइड प्लैंक्स हम ओवरवेट लोगों को सजेस्ट नहीं करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करें, एल्बो से, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर देम। कोई इंजरी हो सकती है क्या, कोई मसल पुल हो सकता है? मसल पुल के ज्यादा चांसेस होते हैं, खासकर में स्पाइन पे बहुत ज्यादा लोड आता है, बैकबोन पे आपकी, ठीक है। इसको आप एल्बो रेज करके करें। हाँ ये एल्बो उठा भी रहे हैं अपनी, ठीक है। अब ये देखें इनकी हाइट बढ़ गई है यहाँ पे। अच्छा ये ऑलरेडी जो ओवरवेट लोग हैं उनकी रिस्क पर बहुत ज्यादा असर पड़ता होगा, तो कितने तक की वेट को आप रिकमेंड करते हैं ये वाली साइड प्लैंक? इसको हम वेट पे ही कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है कि बहुत हैवी वेट वाला बंदा भी कर ले, लेकिन वही कि कम से कम स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपसे कहा था 5 सेकंड से स्टार्ट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिस्ट यूज्ड टू होती जाएंगी, फिर ग्रेजुअली आप ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए उतना वेट बर्दाश्त करने की। और ये साइड प्लैंक ज़्यादातर किस बॉडी पार्ट पर आपको ज़्यादा असर करती है, सिर्फ कोर पे या साइड्स पे? आप साइड्स पे ज़्यादा करती है, साइड्स पे ज़्यादा करती है, फ्रॉम थाइज टू दिस अपर बैक एज़ वेल। सही। और कौन सी रिस्ट बताएंगे आप? जी जस्ट उससे कॉमन एक्सरसाइज हैं, तकरीबन सब ट्रेनर्स ही बताएंगे, लेकिन जब सब बताते हैं तो लोग इसको बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है जी। लेग रेजेस, लेग रेज। अच्छा ये लेग रेजेस जो है इसका क्या क्या पर्पज़ होता है ये भी बता दें। अच्छा एब्स ही है और अपर थाइज होती हैं उस पर ये फोकस करता है, इस तरह खासतौर पर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ फैट रिजर्व ज़्यादा हुए। वैसे तो खैर राइट अवे एक्सरसाइज से फैट नहीं जाता, लेकिन ये कि उसकी कंडीशनिंग होना शुरू हो जाती है उस मसल की जी। लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता, अगेन हम ओवरवेट्स की बात भी कर रहे थे कि जो एजेड लोग हैं ओवरवेट नहीं कर पा रहे, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यार जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये एब्स और थाई कंप्लीट लेग्स के लिए भी है, लेकिन बहुत सारे लोग या तो इसको सिर्फ एब्स के लिए समझते हैं, कुछ कहते हैं लेग्स के लिए, यानी ये दोनों के लिए है? बिल्कुल दोनों के लिए होता है। ये होता है कि एक मसल जो है ज़्यादा फोकस होता है, एक मसल कम फोकस होता है, हर एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही होता है। ठीक। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एब्स फोकस चाहिए। आयाज मेरा एक सवाल है आपसे कि इन्होंने जो है अपने हिप्स के नीचे हाथ रखा हुआ था जब ये लेग रेस कर रहे थे, तो ये सपोर्ट के लिए रखते हैं ज़रूरी है या फिर आप साइड पे भी रख सकते हैं? नहीं बहुत ज़रूरी है, उसी रेंज पे रखें, हिप्स पे रखना आइडियल होता है ताकि आप बहुत ज़्यादा मूव ना करें। अदरवाइज ये होता है कि जब आपने हाथ नहीं रखे होते हैं साइड पे रखे होते हैं तो आपकी अपर बॉडी एलिवेट होना शुरू हो जाती है, वो उठेगी तो स्पाइन पे स्ट्रेस आता है। अच्छा और लेग कितने डिग्री तक रेस करना ज़रूरी है, 90 डिग्री पे या फिर उससे कम थोड़ा सा? क्योंकि बाज़ लोग बहुत बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर भी रख लेते हैं, नहीं रख पाते, नीज बेंड कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेट फ्रंट पर आ जाएं ताकि व्यूअर्स जो हैं बेहतर तरीके से। आप जरा दोबारा करके बताएं, इसमें 90 तक ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ऊपर ना लेके जाएं, 90 बिल्कुल स्ट्रेट ना करें, स्ट्रेस आपके पेट से खत्म हो जाएगा, आप स्टमक पे चाह रहे हैं, कोर पे चाह रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। अगर ये डिफिकल्ट है तो इसकी एक मॉडिफाइड वर्जन भी होती है, इसमें आप नीज बेंड करके आप रेज करते हैं, अगर स्ट्रेट आप नहीं कर पा रहे तो। और बहुत आगे ले जाने की जरूरत नहीं है अगर आप मॉडिफाइड करना चाह रहे हैं। आगे कैसे, मतलब जिस तरह ये आगे लेके आ रहे हैं पांव को, बहुत ज्यादा आगे नहीं, तो इनकी रेंज मतलब कि थोड़ा सा ही, मतलब आपने जो है इसको। अच्छा जी कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, मिसेज नवीद फैसलाबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गाल तो आप दोनों ने वो फैसलाबाद की जुबान में कहते हैं अखीर कर देती है, इतनी क्यूट लगी है दोनों आज। थैंक यू मिसेस नवीद। चलिए जी मिसेस नवीद का सवाल आपका। जी जी कर रही है जी, बताइए मिसेस नवीद। मैं बात कर रही थी कि अलविना पे आज की लुक बहुत ज्यादा सूट कर रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू मिसेस नवीद। और वर्दा तो एज यूजुअल वैसे ही मुझे अमेजिंग वंडरफुल ब्यूटीफुल जी जी बहुत अच्छी लग रही है। हमने आपका नाम याद कर लिया, कल आपने बताया था ना, अब हमें याद हो गया आपका नाम।
शो भी बहुत आपका अच्छा, आज का भी हमेशा की तरह। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाबियां दे। थैंक यू सो मच जी। इसी तरह आप लोग देखते रहें, आप लोग के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मिसेस नवीद, कोई सवाल करना चाहेंगी आप हमारे ट्रेनर से? हाँ जी, मुझे इनसे सवाल करना है। बेटा है मेरा, उसकी एज है 14 इयर्स तो, और उसकी हाइट है 5.4 तकरीबन। सही जी। हेलो जी, जी सुन रहे हैं आप, बोलिए। तो वो किस एज में उसको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, ये जो बॉडी बिल्डिंग सी जो शेप बनाते हैं बॉडी की, एज कौन सी ठीक है उसके लिए, और कौन सी एक्सरसाइज वो आप शुरू में करें? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का मिसेज नवीद, थैंक यू सो मच। आपका हम बिल्कुल जवाब देते हैं जी। अयाज एक क्विकली इनका आंसर भी दे दीजिए और फिर हम लोग। एक मिसकंसेप्शन है कि 18 की बात से स्टार्ट करें, एक्सरसाइज से पहले स्टार्ट ना करें। न्यू रिसर्चेस ये कह रही हैं कि आप बिल्कुल अर्ली एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वही कि ग्रेजुअल अप्रोच हो, आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट करें और अपनी डाइट का जरूर ख्याल रखें, एक्टिविटी लेवल अपने बढ़ा के रखें, तो कोई ऐसा सर्टेन एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आजकल बहुत यंग एज के बच्चे इवन 13 लेकिन जरा थोड़े प्रोज एंड कॉन्स भी बता दें, क्योंकि बच्चे जो है जब जा रहे होते हैं, जिस तरह वो कह रही है ना कि अभी तक वो अंडर एज है और मसल बनाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स की तरफ भी चले जाते हैं, तो वो जरा प्रोज एंड कॉन्स भी बता दें कि किस तरह उन्होंने करनी है। देखिए चीज़ें यही कि जो हेल्दी डाइट होती है, घर के बने हुए खाने और जो प्रोसेस फूड है उनको अवॉइड करें, घर के बने हुए खाने ज़्यादा खाएं, इन पे फोकस करें, इन्हीं से अच्छी खासी जो है स्ट्रेंथ गेन हो जाती है, मसल गेन भी हो जाता है। ठीक है, लोग जल्दी के चक्कर में स्टेरॉइड्स और एब्यूज़ की तरफ जाते हैं इस तरह के शॉर्ट टर्म्स में, कि शॉर्टकट हमें मिल जाए और जल्दी से हम कुछ गेन कर लें, कुछ बन जाए, तो उसकी तरफ ऑब्वियसली नहीं जाना है। बच्चों को उससे रिस्ट्रिक्ट रखें, बाकी ग्रेजुअल अप्रोच के थ्रू जो एक्सरसाइज करते रहें, और कोई सर्टेन एज नहीं है। इवन अंडर 10 भी जो है पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत हैवी वेट्स उठा रहे हैं दुनिया में, सिर्फ ये होता है कि ज़्यादा वेट्स तो सजेस्ट नहीं करेंगे ना आप। आई वॉन्ट से कि नहीं नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेजुअल होना चाहिए। अगर प्रॉपर ट्रेनर के साथ कर रहे हैं तो उससे करेंगे, ऑब्वियसली ग्रेजुअल होगा। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट करें मिसेस नवीद आपके बेटे, और डाइट का अच्छा ख्याल रखें और अंडर सुपरविजन करें किसी अच्छे ट्रेनर के। बिल्कुल, और ग्रेजुअली भी इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, नहीं आहिस्ता आहिस्ता करें, ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आयाज, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वजीर एक इतने अच्छे मूव्स दिखाने के लिए, किस तरीके से आप एक्सरसाइजेस को बेहतर कर सकते हैं। और भी किसी प्रोग्राम में हम लोग आपसे अगले मौजे के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हुस्न का राज, और हुस्न के राज में आज हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं हमारे डॉक्टर जावेद आलम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। कहाँ घूम रहे थे आप? भाई पूरे पाकिस्तान घूम रहे होते हैं। जैसे अभी ब्रेक पे हम बात करते, उन्होंने बताया कि मैं बहुत बिजी रहा था। रात को मैं हैदराबाद, रिजवान का फोन आया, तो रात को 2 बजे हैदराबाद से आया हूँ। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम तो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट थैंक यू सो मच कि आप आए। आप इतने टफ टाइम आपका था, आप ट्रैवलिंग पे थे और फिर बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। चलिए, आज का मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आजकल प्री मेच्योर एजिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, इसके कॉजेज क्या? जलना बंद कर दें। हम तो बहुत बात कर रहे हैं आजकल इस टॉपिक्स पे। हसद, जलन, गरूर, गीबत, बुग्ज़, ये 3-4-5 चीज़ें इंटरनल ऐसी खतरनाक हैं जो जल्दी बुढ़ापा ले आएंगे। तो अगर आपको जवान रहना है जी, तो ये 5 बीमारियां जो नेगेटिव इमोशन से नुकसान आता है ना, जो क्योंकि हमारा क्या है एड्रिनलिन, हम अगर मैं किसी से देख के बिला वजह जेलस हो रहा हूँ ना, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरा एड्रिनलिन रिलीज हो रहा है। और रिलीज होने से क्या होगा, मुझे साइड इफेक्ट्स होंगे। एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, उधर फरिश्ते लिख रहे हैं गुनाह। ठीक है, भी पकड़ा है और यहाँ पे भी है, नीचे फेस पे आ यहाँ पे शक्ल खराब हो रही है। Exactly. और सेहत खराब हो रही है और वहाँ पे पकड़ वो कहता है ना, फिटे मुंह जाना और एक नूरानी खूबसूरत शक्ल हो जाना, वो दिस इज इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका दिल और दिमाग अगर क्लैरिटी में है, ये दिस इज ऑनेस्ट। जो लोग क्लियर लोग होते हैं, ऑन योर फेस जी, यू विल हैव इट ऑन योर फेस अगर क्लियर है। एग्जैक्टली, आपके रिफ्लेक्टिव वही है। और उसकी वजह क्या है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो एक हार्मोन होता है एड्रिनलिन, दिस इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। ये लोगों को आइडिया नहीं है, वो इमरजेंसी हार्मोन जाके डायरेक्ट टारगेट करता है आपके कोलेजन पे। अच्छा, वो कोलेजन आपका जब डैमेज एंड ब्रेक होता है तो
फ्रेगमेंट में आता है तो आपके ऊपर एजिंग आनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी बता दें क्या बार बार गुस्सा करने से भी जो है यही हार्मोन रिलीज होगा? नहीं फॉन्सिस, अगर कुछ कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए होती है, पैनिक करते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं बिला वजह गाड़ी में, अब कोई गलत आ गया गाड़ी वाला तो वो भी पैनिक करेंगे कि मैं तो अपनी लेन में चल रहा था ये क्यों आया भाई। पाकिस्तान में तो आपको दरगुजर की आदत आनी है, पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। मैं कहता हूँ दरगुजर और स्माइल आपको जवान रखेंगे। अच्छा अच्छा, फिर जहन में ये रखें कि आप बूढ़े नहीं हो रहे। अगर आपने माइंड बना लिया कि बूढ़ा हो रहा हूं, एजिंग तो आनी है, अब उम्र हो गई है, एक जानदार कोई चीज है, जानवर हो या इंसान हो उसमें एजिंग आनी है, क्योंकि चिप लगी हुई, अल्लाह ने एक चिप दे दी है, वो एजिंग आनी। सही। लेकिन वो 60 साल वाला आदमी 40 का क्यों लग रहा है और 40 साल वाला 60 का क्यों लग रहा है? क्यों? ये दिस इज अ डिफरेंस। ट्विन ब्रदर हैं, एक स्मोकर है, सनलाइट में जाता है, उसकी हैबिट सही नहीं है, नींद पूरी नहीं लेता, पानी पूरा सही तरह नहीं लेता, डाइट अच्छी नहीं है, वही उसकी स्ट्रेस नेचर है। और एक आदमी रिलैक्स है, पानी लेता है, नींद पूरी करता है, डाइट अच्छी लेता है, तो वो दोनों ट्विन जो है ना उनमें डिफरेंस होगा। वो एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही जीन से आ रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस होगा। तो हमें सबसे पहले तो स्ट्रेस, ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह स्ट्रेस की तो आपने बात कर ली कि ये प्रीमैच्योर एजिंग की तरफ लेकर जा रहा है, दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लेके जा रहे हैं? फॉर इंस्टेंस क्या हम लोग जो GMOs खा रहे हैं, हमारी डाइट ठीक नहीं है, क्या ये भी एक हो सकता है फैक्टर? सेकेंडली सनलाइट, जी सनलाइट इज वेरी डैमेजिंग। जो लोग स्कर्दू में, गिलगित में, पेशावर में, जहाँ क्लीन एरिया और जहाँ वेदर बेहतर है, या क्वेटा में रहते हैं स्पेशली पाकिस्तान, वो लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते अपने आप को, तो उनकी प्री मेच्योर एजिंग आ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसमें ये ऐड करूँगी कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे बहुत ठंड होती है तो वो धूप में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन जिन एरियाज़ के आपने नाम लिए वहाँ पे स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर होता है, तो क्या फेयर स्किन टोन वालों के साथ प्री मेच्योर एजिंग भी एसोसिएटेड होती है? क्योंकि गोरों को भी तो देखें ना कि कितनी जल्दी उनकी फाइन लाइंस आ जाती हैं, बूढ़े हो जाते हैं। एक्चुअली गोरे भी, उनका क्लैरिटी है सनलाइट, जो ओजोन जो है ना अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट पड़ रहे हैं और आपकी पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली जी, पिगमेंटेशन भी ड्यू टू द सनलाइट और प्री मैच्योर एजिंग भी। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और आप प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं, ग्लव्स नहीं पहन रही, तो इधर लाइंस आनी शुरू हो जाएंगी, चेस्ट पे लाइन आनी शुरू हो जाएंगी, नेक डिस्कलरेशन हो जाती है। अगर आपने फुल स्लीव ज्यादा पहनी हुई है और काफी देर तक आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है। तो सेकेंडली सनलाइट, थर्डली द वेट। आप वेट का मतलब है एजिंग, अगर आप ट्रिम स्लिम हैं अच्छा तो आप एजिंग नेचुरल। वाकई ये तो फर्क अच्छा। पता चलता है 5-6 किलो अपना ऊपर नीचे हो जाता है वजन, उससे फील होता है। अगर 25-30 साल की एक खातून है, उनका वेट ज़्यादा है, वो एजिंग लगेगी। एक 50 साल की खातून है, उन्होंने आपको ट्रिम स्लिम किया हुआ है, अपने आपको परफेक्ट किया हुआ है, तो आप देखें ना क्या ज़बरदस्त फेस नेचुरली नहीं बचता, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए। लेकिन अगर आपने फिगर प्रॉपर रखा हुआ है, सब आपने बिल्कुल ट्रीटमेंट्स की बात की, तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या एस्थेटिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, फिर थ्रेड्स हैं, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे कि फ़वाद क्या, नुकसान क्या, और क्या कोई बेहतर ऑल्टरनेट है हमारे पास या नहीं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, जी जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं वो रेडी हैं, वो हमें फिलर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे बात की थी फिलर्स के बारे में, थ्रेड्स होते हैं, बोटॉक्स होते हैं, इन सब में डिफरेंस क्या है, हमें पता कैसे चलता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले इंडिकेशन ऑफ द पेशेंट, हम हर गली नुक्कड़ पे एस्थेटिक क्लिनिक खुल गई है। सही, देखिए आप फेस, ये भी घबराई हुई थी, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो नेचुरल अच्छा, इनकी घबराहट खत्म करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बता दें फिलर स्टे कितने अर्से रहेगा? ये एक साल डेढ़ साल तक, देखो आप माशाल्लाह आपकी एज नहीं है, लेकिन हम इसको फिलर, क्योंकि ये नेजो लेबियल फोल्ड जो है ना ये इसको कवर करता है। एनीवे मैं पहले बता दूं, लाफ लाइन भी कहते हैं, जैसे लाफ लाइन जैसे नेजो लेबियल फोल्ड, नेजो लेबियल मैं आपको बताता हूँ। पहले देखें ये फोरहेड है हमारा, अब यहाँ की जो लाइंस होती है ना, जब हम ऊपर करते हैं तो बहुत सारी ऊपर की जो अपनी लाइंस इनके नहीं आ रही, ये फ्रंट फोरहेड लाइंस जो होती हैं इसके अंदर हम बोटॉक्स करते हैं। बोटॉक्स हम करते हैं, किसी दिन हम आपको बोटॉक्स भी दिखाएंगे, तो बोटॉक्स क्या करता है, इसको लिफ्ट कर देता है। इधर इतना इंडिकेटेड फिलर नहीं है, इधर क्रोफीट होती है जो मैं बताता हूँ, आंखों के पास जो क्रोफीट कहलाती है, जैसे
कौवे का पंजा होता है, इस तरह फाइन लाइंस आ जाती हैं यहाँ पे। ये भी डॉक्टर साहब मैं कहूँगी गोरे जो लोग होते हैं उनके हर प्रॉब्लम ये उन्हीं का है ज़्यादा, उनका प्रॉफिट। यहाँ पे भी मोस्टली हम बोटॉक्स करते हैं। ये एक फ्रॉनिंग लाइन इधर जो होती है इधर जो आईब्रो के बीच में, इधर हम फिलर भी डालते हैं, बोटॉक्स भी करते हैं। अब रह जाता है ये वाला। इनका जरा थोड़ा सा जरा और इलेबोरेट कर दीजिएगा, ये जिस तरह ये बता रही थी कि यहाँ पे ये फाइन लाइंस को हम स्माइल लाइंस जो है लाफ लाइंस कहते हैं, तो लेकिन ये आप कह रहे हैं कि इनका ये आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनका क्या करेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, ये वाला जो चीक एरिया है ये वाला आजकल हम कर रहे हैं थ्रेड्स, ये वाला जो एरिया हम इसको लिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, थ्रेड्स भी बहुत टेक्निकल है, हकीकत है, आपको घबराना चाहिए, हर किसी के पास ऐसे ना चले जाएं और आप पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सही गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो जगह जगह ये एस्थेटिक क्लिनिक्स खुले हैं। देखें, जो फील्ड में है 25-30 साल से, क्रिकेटर जाके ऐसे ही नहीं छक्के लगा रहा होता। सही है, वैसे मैं आपसे ना एक बात पे थोड़ा सा अगर मैं इख्तलाफ करूं, यानी आपने जूनियर्स बेचारों को एक्सक्लूड कर दिया। देखिए, जूनियर्स की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। एक्सपीरियंस और अच्छा प्रैक्टिशनर होना चाहिए। बात यह है कि जो प्रॉपर कर रहा है, फीस आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हकीकतन इनको घबराना चाहिए, जब हम फेस पे कुछ लगाना चाह रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि नुकसान भी हैं, हम पेमेंट भी कर रहे हैं और फिर हमें नुकसान भी हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है? और फेस एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ना करे किसी को एक हल्का सा रैश भी आ जाता है तो वो नुकसान दे होता है। अच्छा, हमने थ्रेड आपको लगाने हैं, इसमें हम मोनो लगाते हैं और डीप थ्रेड्स भी कहलाते हैं, कॉग वो लगाते हैं जो आपको ये लिफ्ट कर देते हैं आपके। सही, और मोनो और डीप थ्रेड्स में डिफरेंस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोनो जो होता है सुपरफिशियल थ्रेड्स होते हैं और कॉग जो होते हैं वो डीप थ्रेड्स होते हैं। अब मोनो इतना रिस्की नहीं होता, हम लगाते हैं मज़े से, है ना, थोड़ा लिफ्ट हो जाता है और जो कोलिजन होती है रिजुवेनेट हो जाती है, लेकिन कॉग इनसाइड द स्किन होती है, कॉग जो होती है नॉर्मल जो सैगिंग हो रही होती है उसको उठा देता है। लेकिन दिस इज वेरी टेक्निकल, बहुत स्किल्ड हैंड चाहिए, खुदा ना करे क्योंकि बिल्कुल स्किन बीच में होती है जिसके बीच में ट्रैवल कर रहे होते हैं हम, और अगर आपने ज़रा सा अंदर ले गए तो वो नुकसान दे, और अगर आप सुपरफिशियल लेके तो ऊपर निकल आएगा, तो बहुत ख्याल से करना पड़ता है। अच्छा, दिस इज ये हम यहाँ फिलर करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं नेजोलेबियल फोल्ड। दिखाएं इनका ताकि, अच्छा कौन से एरिया में फिलर कर रहे हैं? ये इधर नेजोलेबियल फोल्ड। अच्छा, देखिए ये साइड पे मैं करूँगा, लेकिन रिलैक्स होइएगा, इसे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ये भर जाएंगे, लाइन जो है जो एक लाइन आ रही है वो खत्म हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लीन कैसे होगा। अच्छा, ये आपने इनके कोई सूदिंग बिल्कुल लगाया? कोई पेन तो नहीं है आपको? बिल्कुल फर्स्ट क्लास माशाल्लाह से। अच्छा देखें, सबसे बड़ी इंडिकेशन है, लोग फिलर थ्रेड्स को मजाक समझते हैं कि फौरन गया और फौरन से फौरन लगा लिया, ऐसा नहीं होता। दिखाइए, देखें, ये समझ लीजिए कि ये वाली लाइन को हम कवर करेंगे, ठीक है जी? सही। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक अच्छा पीआरपी भी होती है ना आईज के, जो आप कह रहे थे कि जो क्रोव पीस होते हैं उन पे हम पीआरपी भी करते हैं या जरूरी है थ्रेड? देखिए पीआरपी का तो लोगों ने मजाक बना लिया। अच्छा, पीआरपी का मजाक क्यों बना लिया है कि नेचुरल चीज है कि आपका ब्लड लिया हमने मजे से सेंट्रीफ्यूज किया और वो आपके स्कैल्प में भी इंजेक्ट करना है एंड फेस के ऊपर स्कारिंग के लिए भी किया जाता है और एंटी एजिंग के लिए भी करते हैं, डार्क सर्कल के लिए भी करते हैं। लेकिन आई एरिया जब भी आँख का ट्रीटमेंट करवाने जाएं आप, प्लीज़ 10 दफ़ा सोचिएगा। इवन फिलर करवाने जाएं, पीआरपी करवाने जाएं, मीजोथेरेपी करवाने जाएं या आई ट्रीटमेंट करवाने जाएं, दिस इज़ अ वेरी डेलिकेट एरिया। ऐसी खतरनाक किस्म के पॉप आउट होता है और स्वेलिंग होती है जिससे डेंजरस प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ख्याल से करना चाहिए। मैं आप इधर आराम से सर रख लीजिए, रिलैक्स्ड स्माइल कीजिए। देखिए ये स्माइल कर रही है ना, आप स्माइल करें खिलखिला के ऐसे, ये तगड़ा से ये जो लाइन आ रही है इसको हम बेहतर कर रहे हैं, ठीक है जी? चलें जी, और अब जो है वो एनी के फिलर्स जो है वो दे रहे हैं ताकि, अच्छा ये एक साल तक इसका असर जो है एक डेढ़ साल तक इनको इंशाल्लाह तक इनका असर रहेगा। और प्लीज़ जब आप करवाने जाए तो पहले तो ध्यान से जांच पड़ताल कर लीजिए कि जिस एस्थेटिक क्लिनिक पे आप जा रहे हैं क्या वहाँ के डॉक्टर्स प्रोफेशनल हैं या वो सही तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ज़रूरत आपको थ्रेड्स की है वो आपको लगा फिलर्स रहे हों, या फिलर्स की ज़रूरत है उसकी जगह बोटॉक्स कर रहे हैं। एक वजह ये भी होती है कि पैसे बनाने के लिए भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, अभी मैंने गॉज नहीं रखा। अच्छा, यानी ब्लीड होने के चांसेस होते हैं क्या? चलिए आप इंजेक्ट कर रहे हैं, डीप इंजेक्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए अभी हम इनकी एक साइट करेंगे। कुछ हुआ आप इतनी परेशान हो रही हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं बताती हूँ आपको ये क्यों परेशान हो रही है, इसलिए परेशान हो रही है कि इनकी स्किन क्लियर है और ये जितने भी सिंथेटिक प्रोसीजर्स होते हैं इन्होंने कभी नहीं करवाया और ये नहीं चाहती कि ये इस तरफ जाएं क्योंकि एक दफ़ा एक लोग सोचते हैं ना कि बार बार जाना पड़ेगा या प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। कोलेजन एक आपकी स्किन को बेहतर करता है, अगर एक लाइन है उसके अंदर ये कोलेजन अच्छा, डाला सिंपल इसमें कोलेजन है, कोलेजन मतलब और कुछ इसमें नहीं है, कोई चीज़ नहीं है आपको, उसने फिल करना है, इसका नाम ही फिलर है तो फिल करना है एक लाइन। अब आप ये देखिए, ठीक है डॉक्टर साहब जरा एक ब्रेक पर जाएंगे आप देखिए कितना फर्क है। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और आपने देखा डॉक्टर साहब ने एनी के फिलर इंजेक्ट किया और कितना वाज़े फ़र्क हम दोनों तरफ देख सकते हैं, ये देखिए इंस्टेंट रिजल्ट है। ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब ने ब्रेक के टाइम से पहले फिलर इंजेक्ट किया था और यहाँ पे अभी रहता है और अब करेंगे आप यहाँ पे, और देखें बिल्कुल कुछ आपकी स्किन सॉइल नहीं हुई है, कोई तकलीफ नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब आप देखें, बात यही है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, अल्लाह ना करे ये इंजेक्ट है डीप चला गया तो नुकसान पहुंचा सकता है। अब साहब इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कुछ फिलर्स? देखिए साइड इफेक्ट, एक अच्छी गाड़ी है अगर अच्छा ड्राइवर है तो नेचुरली वो गाड़ी तरीके से चली, एक प्लेन उड़ाने वाला जो पायलट है वो परफेक्ट है तो कितने लोगों को लेके जा रहा है, तो रिस्क फैक्टर हर जगह है। अगर अच्छा पायलट ना हो तो ले डूबेगा आपको। एग्जैक्टली लेनी एक के नहीं बहुत सारे लोगों को लेकर खुद तो जाएगा। सब आप दूसरी तरफ कीजिए और फिर मैं आप साथ साथ सवाल भी करती रहूंगी कि इसकी प्राइस रेंज भी थोड़ी सी आप बताएंगे, बहुत से लोग जो हैं वो अगर मैं सिर्फ पीआरपी की फॉर एग्जांपल बात करूं तो पीआरपी पे भी लोग जो है वो 25,000-30,000 भी हो रही है। एग्जैक्टली, और स्टार्ट 5,000 से भी हो रही है, तो अब कन्फ्यूजन है कि क्या चीज़। देखिए मैं आपको बताऊँ, लूट मार सब जगह है, पीआरपी में आपकी प्लेटलेट्स, पीआरपी में आपकी प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स आपके लेते हैं ब्लड, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके वो इंजेक्ट करते हैं, स्कैल्प में करते हैं, स्कारिंग के लिए करते हैं, एंटी एजिंग के लिए करते हैं। 4,000-6,000 और देखें हमारे पास एक क्लास है जो अफोर्ड कर सकती है, एक क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आप बताएं वो क्लास कहाँ जाएगी जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनका हक नहीं है कि वो अपने चेहरे को बेहतर करें। ठीक है जी, ओके डॉक्टर साहब, ये फिलर्स जो आप लगा रहे हैं क्या ये जो मीजल्स के मार्क्स होते हैं या फिर आपके स्कारिंग जो स्कारिंग के लिए भी यही फिलर्स यूज किए जाते हैं? ये स्कारिंग के लिए भी, लेकिन ये वाला तो आपने कोलेजन बताया ना, इसका तो सब फिलर्स अलग अलग होंगे, अगर स्कार्स के लिए तो फिर वो क्या होगा? डीप फिलर कहलाता है, और जैसे हम लिप्स के लिए करते हैं प्लम करने के लिए लिप्स को, जी, वो क्या है, वो फिलर है या बोटॉक्स? डिफरेंस जरा बता दें डॉक्टर साहब, बड़ी कंफ्यूजन है, लोग दोनों को एक ही समझते हैं और अक्सर कंफ्यूज होते हैं। प्रेस कर लीजिएगा, देखें बोटॉक्स या फिलर, जी सॉरी ये रख दें इंजेक्ट, आपको एक तो जो हम पीआरपी की बात कर रहे थे, पीआरपी सॉरी मैं उधर चला जाता हूँ, पीआरपी के लिए हमें स्किल्ड हैंड जरूरी है। पीआरपी में जो ब्लड लिया जा रहा है वो आपके स्कैल्प में भी लगाया जा रहा है, आपके सर में, और आपके नॉट सर स्कैल्प, सर की जो खाल होती है या फेस पे लगाया जा रहा है, वो हम रिजुवेनेट करने के लिए कर रहे हैं। उसके लिए हम जो गड्ढे हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं एक्नी के बाद, बड़े बड़े जिनको बॉक्सर स्कार्स कहते हैं या पोस्ट एक्नी स्कार कहते हैं, उसमें भी हम है ना पीआरपी भी करते हैं और फिलर भी डालते हैं। जब तक टेक्निकली आप प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि नुकसान हो जाएगा। आप रेट की बात कर रही थी, देखें हमारे अब जितनी कंपटीशन हो गया है, जितनी मार्केट में लोग आ गए हैं, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं जिनका नाम है, जिन्होंने 25-30 साल से काम कर रहे थे। देखिए कम से कम आप जब भी ट्रीटमेंट कराने जाएं उसको देख लें कितने टाइम से कर रहे हैं। अच्छा बुरा तो अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह मियाँ बेहतर रखे, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूरी है देखना चाहिए कि कितने टाइम से वो काम कर रहा है, कितने टाइम से वो कर रहा है, तो आपको प्रॉपरली उसको देख के अच्छा फिर रेट्स एक दफ़ा चेक कर लीजिए पाकिस्तान में, मार्केट रिसर्च कर लें यानी। एग्जैक्टली, आप एक आदमी 6,000 मैं ले रहा हूँ या 4,000 ले रहा हूँ या मैं फिर 25,000 ले रहा हूँ तो क्या डिफरेंस है?
आप क्या कमाल कर रहे हैं कि बॉल जब गंजा है सर पे उसके बाल निकल आएंगे 25, वो जो 6 सेटिंग की है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितना जेल 6,000 के अंदर है वही 25,000 में, ये आपके दिमाग का खलल है, ज्यादा पैसा। डॉक्टर साहब, इसकी कोई एज लिमिट है? अगर आप कहेंगे कि इस एज से स्टार्ट करना चाहिए, इस एज से पहले नहीं करवाना चाहिए। इनकी लिपस्टिक लगी है, ब्लड नहीं है, कभी आपका डॉक्टर साहब इन्होंने लगा के भी रेड लिपस्टिक आई है कि इनके पूरी यहां पे डॉक्टर साहब ने ब्लीडिंग कर दी। देखिए ये देख लीजिएगा, अब इसको हम सेटल कर लेते हैं। आप मुंह खोलिए थोड़ा सा, अब इसको हमें एडजस्ट करना, तो पूरा खोलें, इसको हमें सेट करना होता है। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो बबल आ जाएंगे इसके अंदर, और बबल फिर परमानेंट, मतलब एक साल तक बबल फील होता रहेगा। पेशेंट आएगा, कहेगा मेरे मुंह में है ना एक गुब्बारा सा बना, भाई क्या किया आपने। तो आपको ये एडजस्ट करना है, ये जो मैं फिंगर कर रहा हूँ इस तरह, ये प्रॉपर होना चाहिए। आटा गूंदना या रोटी बनाना आसान नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो ये आपको किया, तो यानी ये इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज है, आप देखें माशाल्लाह से करना है। देखें अब इनको हम, अच्छा फिर दूसरी बात ये, इसको प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात ये कि एक साथ फुला ना करो, इसकी सेटिंग्स होती हैं। आप मेरे पास आते हैं, मैंने एकदम 25,000 ले लिए, मैंने फिला लेकर ठक करके डाल दिया। बल्कि जो बाहर से लोग आते हैं, मोस्टली हमारे पास आ रहे हैं अमेरिका से, यूरोप से, मोस्टली एस्थेटिक काम करवाने, क्योंकि हम लोग यहाँ सस्ता करते हैं, पाकिस्तान में वहाँ बहुत महंगा है, तो वो लोग आते हैं बस रश में आते हैं, ऐसा नहीं, ये रश का काम ही नहीं है। आप पाकिस्तान में भी जिसके पास जाएं उनसे कहें मुझे सेटिंग दीजिए। अच्छा। मुझे लिप के ऊपर करना है, लिप फिलर करवाने आ जाते हैं, वो आजकल मोटे मोटे जो लिप्स आप देखते हैं वो रपला, वो उसका नाम तो हमने किसी लिप्स हैं, लेकिन वो थिक लिप्स होते हैं, और उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि एक होंठ बढ़ गया एक छोटा रह गया। एक फिलर आपने डाला, ज्यादा डल गया। ये जो लिप्स में जो करवाते हैं, वो मैंने देखा है जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली करवा रहे थे, उनके लिप्स के अंदर यूं बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं, और वो जब बगैर लिपस्टिक के होता है बहुत बुरा लगता है। हर चीज का देखिए, अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है, क्योंकि फेस पे आपने कोई काम कराया है तो नेचुरल तो लगे। इसी तरह आई का फिलर जो होता है, आई फिलर एंड लिप फिलर बिल्कुल ना अलग आते हैं। हमने डीप फिलर आई फिलर में लगा दिया और आपने चेक नहीं किया तो वही ब्रूजिंग हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कंफर्टेबल हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, चलें फिर हम जो है इनसे जरूर फीडबैक लेंगे कि क्या ये अभी भी परेशान है नहीं, और आगे भी हम आपको फीडबैक बताएंगे कि क्या है। ठीक है आप परफेक्ट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई पेन नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई आपको माशाल्लाह से? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अब प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। आप शॉर्ट ब्रेक, वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपने देखा कि वक्त हुआ है इस वक्त हमारे सेगमेंट किचन क्वीन का, और हमारी किचन क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, फिट पर। क्या बात है, बड़े स्मार्ट से कपड़े पहने हुए, नाइस कलर। थैंक यू। विंटर्स के लिहाज से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कॉम्बिनेशन। थैंक यू, और थैंक यू आरजू को जिन्होंने ये इतना प्यारा सा ड्रेस मेरे लिए भेजा। बहुत कंफर्टेबल है और बहुत मजे का ड्रेस है, मैं सही बात बताऊं। एंड आई लव दिस कलर, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुनीजा मुझे बताएं आज आप क्या बना रही हैं? मिस्सी रोटी आज भी लेफ्ट ओवर से? आज बिल्कुल मिस्सी रोटी हम बनाना बता रहे हैं, लेफ्ट ओवर से तो नहीं, हम फ्रेश चीज़ों से बता रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आपके पास लेफ्ट ओवर सब्जी है, दाल है, आप कुछ भी इसके अंदर ऐड करके इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं। मिस्सी रोटी है क्या बेसिकली, कहाँ की ओरिजिनेटेड है? ये पंजाब से ओरिजिनेटेड है, और ये बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर बेसन का आटा जाता है हमारा, गंदम का आटा जाता है, इसमें समझिए तमाम जो चीज़ें घर में पड़े हो सब ऐड कर दीजिए, बहुत मज़े की बन जाती है। लेकिन आप बता रही हैं गंदम है, बेसन ज़्यादा, तो इट्स रियली हेल्दी। हेल्दी भी है, और बहुत जो लोग डाइट में होते हैं वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम घी ऐड करेंगे फ्राइंग में वो ना करें, मतलब असली घी कर सकते हैं, वो ऐड देसी घी, ठीक है, तो वो ऐड करके हल्का सा उसको कर लें, और बेहतरीन है डाइट वालों के लिए। तो ये अरे जबरदस्त भाई, तो स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या करेंगी आप? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मिस्सी रोटी का आटा बताते हैं कि हमने क्या करना है। मैंने 2 कप जो है वो बेसन का आटा ले लिया है, ठीक है, इसी का हाफ रेशियो में जाएगा गंदम का आटा। अच्छा जानी, अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो हाफ कप आप गंदम का आटा लेंगे, ठीक है। ये हमने दोनों चीज़ें ले ली, साथ इसमें हम डाले हैं मेथी और पालक, ठीक है, तो ये 100 ग्राम के करीब तकरीबन जो है इसमें मेथी जा रही है, और 100 ग्राम के करीब पालक जा रही है। आपके पास घर में कोई बची हुई दाल है, कुछ भी है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जा रहा है हरा धनिया, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून,
आप कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। हरी मिर्चें जा रही हैं 3 से 4, बिल्कुल फाइन चॉप मैंने कर ली थी वो जा रही हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी चटपटी और स्पाइसी अच्छी लगती हैं तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड करी है। और ये सारी सब्जियां तो आजकल सीज़न में इतनी फ्रेश अवेलेबल है मार्केट्स में कि आप इनसे अच्छे और ये बहुत हेल्दी है, मेथी पालक ये बहुत एंजॉय कर सकते हैं आप, हेल्दी बना सकते हैं। अगर बच्चे वैसे पालक नहीं खाते तो आप इस तरह से दे दें, या घर में अगर पालक गोश्त आलू पालक खा खा के आप थक गए हैं तो एक बिल्कुल नया वेरिएंट है जिस तरह से आप मुनीजा बता रही हैं बना सकते हैं। ठीक है, और ना मतलब ये समझो चाय के साथ शाम में, बारिश का सीजन है, सर्दी में ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे सर्दियां हो गई हैं थोड़ी सी, सुबह सुबह आज ठंड लग रही थी, मजे की थी और बड़े मजे की हवा चल रही थी आज सुबह। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मैंने क्या किया इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड करा है, भुना कुटा जीरा जाएगा, भुना कुटा धनिया जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट हसबे जायका ऐड करा है और गरम मसाला 1 टेबलस्पून ऐड करा है। साथ इसमें मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये फिर वही बात आ जाती है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अच्छा इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना। ओ, अच्छा लेमन जूस क्यों, खटास के लिए? खटास के लिए, थोड़ा सा चटपटा और अच्छा सा फ्लेवर इसको देने के लिए। ठीक है, अच्छा, इन तमाम ये जो आप जो थोड़ी देर पहले हमारी ब्रेक में जब बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि डिफरेंस होता है जो आटे में गूंथते हैं और या फिलिंग होती है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में? देखिए वही बात है, दो तरीके की चीज़ें हो गई, एक फिलिंग वाला पराठा अलग होता है, इसमें हम हर चीज़ मिक्स करके बना रहे तो ये अलग चीज़ है दोनों। ठीक है, टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है दोनों? बिल्कुल बहुत डिफरेंस आता है, मतलब इसमें देखिए बेसन जा रहा है, तमाम सब्जियां जा रही हैं तो इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसमें तमाम मसाले जा रहे हैं। नॉर्मली तो हम पराठे का आटा गूंथते हैं तो उसमें हम ये सब मसाले आटे में तो ऐड नहीं करते ना, तो इसमें हम सब आटे में ऐड करते हैं, ज्यादा अच्छा उसका फ्लेवर होता है। बिल्कुल ये बहुत मजे का बनता है। और मुनीजा अगर हमारे पास घर में सब्जी हमने बनाई है या दाल बनाई है भुनी हुई और अगर वो बच गई है तो क्या हम इसमें मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल आप मिक्स करें, इसी तरीके से आटे का रेशो ले लिया, तमाम मसाले क्योंकि दाल में भी दली हुई तो ये थोड़ी कम ज्यादा आप कर सकते हैं उस हिसाब से, और इस तरीके से आटा गूंथ लें, उसकी रोटियां बनाए पराठे बनाए, बच्चों को लंच में दे दें ऐसी चीजें, आप बड़े मजे का बनता है ये। जब इसे खाने का ज़िया भी नहीं होता, हम अभी कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे कि चीजों को या खाने को या पानी को जाया ना करें। तो जब रिस्क बच जाता है या रात का खाना बच जाता है वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो ये कितना अच्छा बेहतरीन तरीका है जो है उसको इस्तेमाल में। बिल्कुल एक नई डिश तैयार हो गई आपके लिए तो वो एक मजे का बन गया। अच्छा इसको हम पानी डाल के ड्यूरिंग द ब्रेक गूंद लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ लहसुन की चटनी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लहसुन ले लिया यहाँ पर। ठीक है ये बहुत मज़े की और बहुत डिफरेंट चटनी बताने जा रही हूँ आप लोगों को, तो इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप बना के फ्रिज में रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए आराम से, ये पकेगी तो ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, और लाल मिर्च ले रहे हैं हम इसमें। मुनीजा एक सवाल है मेरा, सर्दियों में अक्सर जो आपका जो देसी लहसुन आता है बिल्कुल छोटा वाला हरा वाला, वो इस्तेमाल कर सकते हैं चटनी के लिए? बिल्कुल वो इसमें बघार में हम डाल सकते हैं, जो अभी मैं इसको इस चटनी कहलाता है ना वो, हाँ वो बहुत मज़े का लगता है और उसकी चटनी भी बनती है और वो बहुत मज़े की बनती है। तो उसको बाजरे की रोटी के साथ भी सर्दियों में खाया जाता है, बाजरे की रोटी के साथ, और मेमनों में बनता है आपने वो सुना होगा लहसुन, हाँ। मेमनों में जिसमें बाजरे की रोटी बना के उसका चूरा करते हैं, हाँ। और उसमें इसका बघार देते हैं और इतने मज़े का होता है, यकीन करें कल मैं जाके ये लहसुन स्पेशली लेके आई हूँ और मेरे घर में बनने वाला है आज या कल। आपने यहाँ क्यों नहीं बनाया? यहाँ भी बनाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी सर्दी आ जाती है ना तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जब ठंड की लहर निकलती है ना, क्योंकि मेमनों में होता है कि बड़ा जब ठंड की एक अच्छी सी लहर निकलती है तो ये लहसुन भी महंगा हो जाता है, ये चीज़ बड़ी होती है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ जाती है, फिर वो ठंड में ज़्यादा बनाया जाता है। अच्छा हमने क्या किया, ये लाल मिर्च में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, पेस्ट बना लिया है, इसमें नमक ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आप हसबे जायका ऐड करेंगे और इस लाल मिर्च को हम लहसुन के साथ ब्लेंड करके और पकाएंगे। ठीक है, और फिर इसमें बघार भी डालेंगे, तो इनको ब्लेंड करके आप लाल मिर्च के साथ पकाएंगी जो इनका पेस्ट बनाया है? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये लहसुन और लाल मिर्च एक साथ ही ब्लेंड कर लेते हैं तो मिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो जूसर का जग ले लेते हैं हम। सही, मैं लगा लूँ यहाँ पे, आपको हेल्प चाहिए? हाँ आप लगा सकती हैं, वरना ड्यूरिंग द हम ब्रेक कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। सही जनाब, अभी ब्रेक में वक्त है, जब तक हम साथ साथ काम भी कर लेते हैं कोई बात। जबरदस्त, सही, क्योंकि वो हम कहते हैं ना शोर होता है। चलिए ये वाला काम जो शोर वाला काम है हम कर लेते हैं ब्रेक में, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। आप शॉर्ट ब्रेक, न
जनाब आप देख सकते हैं वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और इस वक्त यहाँ पे मुनीजा ने चटनी जो है लहसुन की वो बना ली है और आटा भी गूंद लिया है। मुनीजा मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं कि आपने आटा कितना सख्त गूंदा है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप आटा बहुत सॉफ्ट गूंद लेते हैं तो रोटी नहीं बनती। हाँ, ये गूंद के मैंने इस पर घी लगा के इसको रखा, थोड़ा सा ये रेस्ट करेगा जब तक हम चटनी का भी बता रहे हैं और साथ ये भी बता रहे हैं आपको। सही, ठीक है। मैंने इसमें ऑयल ले लिया, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें, आपकी चटनी की क्वांटिटी जितनी आप उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। ऑयल गर्म हो जाए, इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, जीरे का भगार लगा रहे हैं, जीरे का भगार, ठीक है। और इसमें सालवर्द आप थोड़ा सा दूर हुए, आपके कपड़े ना ख़राब हों। सही, ज़बरदस्त। तो ये इसमें चली गई, घास तो नहीं उड़ेगी, इसकी खांसना शुरू हो गई पता चला थोड़ी देर में। हाँ, होगी, ये तो पूरे सेट पे सब खांसना शुरू हो जाए, समझ जाइए कि मिर्चों की धार उड़ रही है। ये तो है, ये तो सही बात है। अच्छा मुनीजा, हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि एक बाजरे की राब भी बनती है जो सर्दियों में आपको वो कहते हैं कि ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वो आपको आपके बॉडी टेम्परेचर को वार्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बिल्कुल, बाजरे की रब बनती है और बहुत बेहतरीन बनती है। अच्छा, ये रब होता है कि राब होता है? क्योंकि मैंने एक एक मेमन फैमिली के साथ शो किया था तो उन्होंने बताया था कि राब कहते हैं इसको, रब भी कहते हैं। और ज़ाहिर है मेमन है तो थोड़ा एक्सेंट हो जाता है ना इंसान का, अच्छा, मेमन बात अच्छा, करते करते ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा क्यूट एक्सेंट लगता है मुझे, वो वाला जो मेमनों वाला होता है, ठीक है। तो वो जो है आप रब कहते हैं उसको, बाजरे की बनती है, आटे की भी बनती है और वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। और कल ही मैं अपनी एक फ्रेंड को भी बता रही थी इसको करना है, और इसको करना है, लेकिन जो है इसकी वो होगी थोड़ी सी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो वो क्या करते हैं कि जो बाजरे का आटा होता है उसको असली घी में भून के और उसमें गुड़ का जो है पानी डाला जाता है, इसमें आप नट्स डाल दें, कुछ भी डाल दें जो आपके मतलब अवेलेबल हैं घर में नट्स वाले, ठीक है, हाँ, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और क्या करते हैं कि ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना आफ्टर 6 मंथ्स उनको देते हैं ये, ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। सबसे पहले मुझे अफेक्ट करना शुरू हो गया है, अभी किसी को अफेक्ट नहीं किया लेकिन मुझे अफेक्ट कर चुका है, ठीक है। अच्छा, आपने आटा डस्ट करके नीचे बनाना है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं तो ये स्टिक होता है, ठीक है। मुनीजा, रोटी टूटेगी नहीं बेलते हुए, इसकी कोई टिप है? बिल्कुल प्यार मोहब्बत से आपने करनी है। टिप ये है कि नीचे भी डस्ट करें, ऊपर भी आटा डस्ट करें ताकि ये स्टिक ना हो, और बहुत प्यार से इसको करना है। और ये देखें, थोड़ी सी वो क्रैक बनती है लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है, बेसन की रोटी जैसे क्रैक बनती है, हाँ, से होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बेसन का आटा है, तमाम सब्जियां हैं तो वो अपना पानी भी छोड़ता है तो इसमें जो है वो होता है। अच्छा, ये इसको ज़्यादा थिक तो नहीं रख सकते होंगे, इसको थिन ही रखना होगा, सॉरी, रोटी को थिक तो नहीं रख सकते ना? बहुत से लोग देखे थिक खाना पसंद करते हैं लेकिन नॉर्मल रखें, बहुत थिन भी नहीं होगी क्योंकि वो टूटेगी भी चिपक और स्टिक भी होगी, ठीक है। और आपने इसको हल्का सा एक साइड से सेकना है, उसके बाद इसको फ्लिप करेंगे, उसके साइड पे घी लगाएंगे, फिर इसको इस तरीके से हम सेकेंगे और ये बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी। ये लहसुन की चटनी हमारी बन रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है वर्दा आपको, तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा और होने देना है अभी, ये हो गया, बस इसको ऐसा करें आप बंद कर दें क्योंकि ऑयल थोड़ा सा ऑयल आ गया स्टार्ट हो गया है। बस ये तो देखें हमारी ये जो है, ये भी हम आपको दिखाते हैं, चटनी मैं निकाल लूँ इसमें प्याले में? हाँ इसमें? जी, प्याले में, ये रहा स्पून इसका, थैंक यू, ठीक है। ये देखें, ये हमने एक साइड से रोस्ट करा इसको, ठीक है, सेका, अब इस पे हम यहाँ पे हल्का सा घी लगाएंगे, ये इस तरीके से पूरे उस पे बहुत अच्छे से आपने घी लगाना है, आपको असली घी देसी घी पसंद है आप वो लगा दें, ठीक है। अब इस पर हल्का सा आटा डस्ट करके फिर हम इसको बेलेंगे, बहुत लाइट हैंड से बेलना है, बहुत आराम से बेलना है, हमारी माएँ तो बहुत एक्सपर्ट होती हैं, बहनें बहुत एक्सपर्ट है मेरी, मुझे पता है बहुत अच्छा अच्छा वो बना रही होती हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सही, चलें जी, चटनी जो है लहसुन की हमारी रेडी हो गई है साथ में। अच्छा, आपने जो है ये एक वो भी बनाई है, प्याज की सलाद भी बनाई है जी, चाट मसाला डाल के। मैंने इसमें क्या किया, प्याज के लच्छे यानी कि रिंग्स काट के उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला, लाल मिर्च डाली, लेमन जूस डाला है और हरा धनिया डाला है। सही, चलें जी, रोटी भी हमारी मिस्सी हुई रोटी भी जो है वो हमारी तैयार है। बहुत से लोग मिस्सी हुई कहते हैं, बहुत से लोग मिस्सी कहते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप कह सकते हैं। वो ये होता है, देखिए हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है, सब अपने तरीके से बोल रहे होते हैं, वो बहुत मज़े का लगता है जब हमारे पंजाबी बहन भाई, हमारे मेहमान सिंधी सब बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, बड़ा मज़े का लगता है वो, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने बनाना है, ये टूटी भी नहीं और देखें कितना अच्छा सा कलर, गोल्डन कलर आ गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनती है, इसी तरीके से क्रैक्ट होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप गोल शेप दें, जैसा शेप आपसे बन रहा है आप वैसा बना। अच्छा, ये और ये हल्की आंच पे सेकी जाती है तो हाई फ्लेम पे, कि यूजली रोटी तो हाई फ्लेम पे हम हल्की आंच पे थोड़ा सा क्रिस्प आए इसमें और
ये बड़ी मज़े की लगती है, ये देखें आप कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका, ज़बरदस्त। और ये लीजिए आपकी, ठीक है, ये हम यहाँ रखते हैं। अरे वाह, देसी बिल्कुल, खुशबू कितनी अच्छी वर्दा, आप इसका अरोमा ले, कितना प्यारा अरोमा। चटनी का भी ले रही हूँ, रोटी का भी ले रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको टेस्ट करूँ ऑन एयर, लेकिन ये बहुत गर्म है दोनों चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा रुकी नहीं हूँ। ठीक है, बस ये देखें हमारी क्या मुश्किल था, इतनी आसान, फटाफट आपने बच्चों ने फरमाइश करी, जो घर में है आटे में मिक्स करा, बना लिया, जबरदस्त क्रिस्पी भी है ना ये देखें। अच्छा, कॉर्नर इसके क्रिस्पी हैं और सेंटर से जो है ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, बहुत गर्म है, लेकिन देखिए मज़ा उसी में आता है ना, थोड़ा क्रिस्प हो, थोड़ी सॉफ्टनेस हो, वो जो टेस्ट होता है, वो जो फ्लेवर आता है उस चीज़ का, वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन तैयार होती है, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। देखिए वरदा नहीं बोल रही, इसका मतलब इनको अच्छी लगी है। अच्छा, कोई मुझसे एक दफ़ा कह रहा था कि ना मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ, वो समझ जाएंगे जो सुन रहे होंगे, तो मैंने कहा कि सामने वाला अगर खा रहा है और अगर वो बोल नहीं रहा, दैट मींस उसको पसंद आ गया, तो आप ये एक्सपेक्ट ना किया करें, फ्लेवर्स एंजॉय कर रहा होता है, उसकी क्रिस्पीनेस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है, तीखापन इसका बहुत मज़े का लग रहा है, मिर्चे तेज हैं, मिर्चे तेज ही तो अच्छी लग रही है, अच्छा टटखारा भी आ रहा है। बहुत मेरे हस्बैंड जो है ना वो तारीफ नहीं करते, तो सुन ये सारी फाइन जो है वो हस्बैंड के लिए थी। तो जिन खवातीन के हस्बैंड जो है वो तारीफ नहीं करते, तो वो ये समझ जाएं कि अगर वो खामोशी से खा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा है। चलें, थैंक यू सो मच मुनीजा। और ये देखिए जनाब, रेसिपी हमारी जो है वो तैयार है, चटनी गिरने वाली है, बच गई। ठीक है, चलें, इस ये रेसिपी फाइनल वर्जन आप लोगों ने देखा और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और इस वक्त मेरा फेवरेट सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है, जो है दिल की बात, जहाँ पे हम आपकी, अपनी, हम सब की, उन सब लोगों की दिल की बात शेयर करने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल में छुपी हुई होती है, या उनके सवालों के जवाब जो है वो नहीं दे पाते या ख़ुद से हल नहीं निकाल पाते। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, आज हम बात करेंगे रिवेंज पे, यानी कि बदला। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खासम खास डॉक्टर इमरान यूसुफ, जो कि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे इमरान भाई आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आई ऑलवेज फील गुड जब आप इमरान भाई कहते हैं। अरे थैंक यू सो मच इमरान भाई। अच्छा इमरान भाई, जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है बदला, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ बुरा करता है या हमारे साथ बुरा करता है, तो क्या हमारा बदला लेना जायज़ है? 100% जायज़ है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो मुझे उसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। टूथ फॉर टूथ एंड आई फॉर एन आई। नहीं, वो जो है ना, टूथ फॉर टूथ एंड आई फॉर एन आई, वो इंसान के इंडिविजुअल के लिए नहीं कहा गया। कुरान पाक ने आँख के बदले आँख जो कहा है वो इंसान के लिए नहीं कहा गया, यानी इंडिविजुअल के लिए नहीं कहा गया, वो अथॉरिटी के लिए कहा। एग्जैक्टली, स्टेट, वो बेसिकली स्टेट के लिए, अदालत ये बात बताएगी कि पब्लिक में अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है, खुद से नहीं, तो मैं थप्पड़ पब्लिक में नहीं मार सकता। सही, पब्लिक में पलट के थप्पड़ नहीं मार सकता। अच्छा, आई हैव टू सीक द अथॉरिटी, ये जज डिसाइड करेगा या अथॉरिटी डिसाइड करेगी, हाकिम वक्त डिसाइड करेगा या उसका नुमाइंदा करेगा कि ये एक थप्पड़ जो मैंने मारा है ये जायज़ है, ज्यादती है, या इसको दो पढ़ने चाहिए। ठीक, जो इसने काम किया है, जो इसने काम किया है, जो प्रोवोक किया है, रिएक्ट किया, करवाया है, इसको दो पढ़ने चाहिए। बिल्कुल राइट, ऐसा ही है ना। बिल्कुल, लेकिन अगर इंडिविजुअल मेरे कमरे के अंदर 1-to-1 बात हुई है तो फिर एक के बदले एक लग सकता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन कितना लगेगा ये बड़ा सवाल है। ये कितना बड़ा, देखो अगर ये तवाजुन कायम नहीं होगा, आपका रिएक्शन कितना नहीं, दुनिया का तवाजुन बैलेंस कायम नहीं होगा कि अगर एक के साथ जाती हो और कंपनसेट ना किया जाए, बैलेंस नहीं होगा ना। ऐसे ही है ना। तो अब अगर हम लॉजिक पे जाए, मंतिक पे जाए, रिलीजन पे जाए, साइंस पे जाए, साइकोलॉजी पे जाए,
हिसाब तो बराबर होगा, तभी तो तवाज़ुन होगा। अगर ऐसे होगा तो ये तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है कि छोड़ दो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, फिर ये क्यों कहा जाता है? अच्छा, अब ये बड़ा खूबसूरत सवाल है कि जो मैंने कहा ना कि अगर अब मेरे ऊपर जाती होगी, मेरे पास बदला लेने का हक है, मैं अगर बदला छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो उसका भी रिवॉर्ड चाहिए। आई नीड कंपनसेशन, साइकोलॉजी समझो इंसान की, मुझे कंपनसेशन चाहिए। अच्छा, अगर आप ये कहें कि बेटा ऐसा करो, जब आप नहीं करती बच्चों के साथ, बेटा ये रहने दो, अभी तो ये खा लो, मैं आपको पूरा चॉकलेट का बॉक्स दूंगी। हाँ। वो सोचता है कि यार चॉकलेट का लालच बच्चे को दी जाती है आजकल के बच्चे। अच्छा, इसलिए नहीं आते, इसलिए मैं ये भी बता दूं, किसी दिन टॉपिक रख लेना कि बच्चे क्यों नहीं आते। हाँ। क्योंकि आप लोग धोखा देते हो बच्चों को, आप लोग कमिट करते हो और देते नहीं हो। आप लोग जोश में आके वादा कर लेते हो और पूरा नहीं करते, इसलिए बच्चे जो है वो आपकी बात को आप पे ट्रस्ट नहीं करते कि अच्छा। और बच्चा, अगर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी वादे पे काम नहीं करता, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। अगर आप ये कहें ना एक घंटे के बाद दे दूंगी और सामने डब्बा रखा है, हाँ, तो बिल्कुल मानेगा नहीं। आप अगर यानी सामने रखा होना अच्छा, चाहिए सामने रखा, हाँ ये सामने रखा होना चाहिए, हाँ ये सामने रखा है, ये कर लो मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको आप कहेंगे कल दूंगी, तो उसकी कल नहीं होती, बिकॉज वो आज में रहता है। मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि अब क्यों, जब ये कहते हैं ना आप कि अगर आप छोड़ दो, इसके रिवॉर्ड्स इतने रखे हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला खुद ये कहता है कि ये जो तुम बदला लेने जा, हक की बात हो रही है, यानी मैं हक पर हूँ, बदला ले सकता हूँ। अल्लाह कहता है कि अगर तुम ये बदला छोड़ दो तो आखिरत में ये बदला मुझसे ले लो, मैं इससे कहीं ज़्यादा दे सकता हूँ। अब अगर इंसान को ये पता है कि यार मैं इससे बदला ले रहा हूँ, पता नहीं पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं मुझसे ज़्यादती ना हो जाए, राइट, या फिर कमी भी ना हो जाए, ऐसे ही है ना। तो लेकिन इधर तो शक है, उधर शक नहीं है, ऐसे ही है ना, उधर शक नहीं है, ज़्यादा मिलेगा ना, ज़्यादा मिलेगा। फिर एक और भी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक नाम है मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला। अल्लाह तबारक को इधर कहता है कि बदला लेने वाला मैं हूँ जी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जी ये बदला जो है ये मेरे बदले अल्लाह लेके दे, वो कितना ज़्यादा लेके देगा, सही, बेशक, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह जो हक पर कायम होते हैं और पीछे हट जाते हैं, सुलह कर लेते हैं, दरगुजर कर देते हैं, रब कहता है दो चीज़ें उसके अंदर, और ये सूरह मुबीन, सूरह फतह जिसको कहते हैं, जिसको फतह मुबीन भी कहते हैं, उसको रब कहता है कि जो हक पे होते हैं पीछे हट जाते हैं, दरगुजर कर देते हैं, सुलह कर लेते हैं, ना सिर्फ ये कि मैं उनके दिलों में सुकून उतारता हूँ, बल्कि मैं उनको फतेह मुबीन अता करता हूँ। ये सुलह हुदैबिया है, यानी विक्ट्री, अल्लाह अल्लाह पाक उनको विक्ट्री अता करता है। ये सुलह हुदैबिया है, उमरा करने गए थे जी, उमरा नहीं करने दिया, जायज था, वापस भेज दिया, दो साल के अंदर पूरा मक्का दे दिया। उसूलन देखा जाए तो रिट्रीट था, रिट्रीव था, पीछे गए थे, लेकिन दिया क्या अल्लाह ने, पूरा। तो हमने साइकोलॉजी के अंदर ये देखा है, ये बात भी जो आपका सवाल सही था कि हमने ये देखा है कि जो लोग गुस्से के अंदर इंस्टेंट बदला ले भी लेते हैं, सुकून नहीं मिलता, बदला मिलता है, सुकून नहीं मिलता। वो उसकी क्या क्या रीजंस होती हैं, क्या रीज़न ये होता है कि जिस इंटेंसिटी से मेरे साथ बुरा हुआ था मैंने वैसा नहीं किया, या फिर अपनी अंदर से जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको झंझोड़ रही होती हैं, वजह क्या होती है, वजूहत क्या होती है? देखिए उसकी, उसका जो था ना ये रिएक्शन था, यानी ये जो एकदम हुआ और एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन था, और जब वो रिएक्शन बैठ गया, बैठ गया, राइट, और फिर रियलिटी के यार बंदे ही खो दिया। लेकिन इमरान साहब, ये जो है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी तो बदला लेते हैं कि उनको सुकून नहीं आता जब तक गुस्से में फिर रहे होते हैं कि जब तक हम बदला नहीं लेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन वो फिर अपने आप से बदला ले रहे होते हैं ना, राइट, यानी उसके साथ तो मैंने दो थप्पड़ भी टिका दिए और मैंने दुनिया को भी बता दिया, मुझे अपनी ईगो की भी मैंने इजहार कर दिया, मुझे अपने एंगर भी मैंने उतार दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद और भी इसकी जानने की कोशिश करेंगे। आपने दोनों तरफ की स्टोरीज बताई कि बदला लेना या ना लेना, दोनों की क्या जो है आपके लिए फ़वाद हैं और नुकसान किस सिनेरियो में क्या हैं, मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है बदले के ऊपर। मैम भी एक और सवाल करूंगी आपसे कि अगर हम किसी से बदला ले भी लेते हैं, लेने के बाद भी हमारी शिकायतें ख़त्म क्यों नहीं होती? कुछ लोग होते हैं जो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका अपनी इमेज अंदर से
बहुत कमज़ोर होते हैं, वो कभी आईने के अंदर देख के अपने आप को अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लक शुक्रु कुल्लु नहीं कहेंगे, वो कभी खड़े होकर जो है वो नहीं कहेंगे ना। कुरान कहता है हमने तुम्हें बेहतरीन पैमाने में पैदा किया, हमने तुम्हें बेहतरीन मोल्ड में पैदा किया, बेहतरीन सांचे में पैदा किया। बिल्कुल, रब जो है वो कहता है मैंने दुख सुख अपने हाथ से तुमको संवारा, सफ़रकुम अहसन सुअरकुम, तुम्हें बड़ा खूबसूरत संवारा, लेकिन वो उसके बावजूद भी आईने में जाके अपने आप को देखता है ना, तो वो नहीं कहता किन्ना सोना मैंने रब ने बनाया। देखिए ना, अल्लाह कह रहा है मैंने तुझे बेहतरीन बनाया, बिल्कुल उसको भी गाना चाहिए खड़े होकर शीशे के आगे किन्ना सोना मैंने रब ने बनाया, लेकिन वो नहीं बनाता ना। तो वो लोग जो अपने आप से भी कभी मुतमईन नहीं होते, वो कभी किसी दूसरे से भी ठीक है। सर इमरान, ये तो आपने कंडीशन बता दी, वो सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं होती उनको क्योंकि वो खुद शुक्र नहीं कर पा रहे होते अंदर से, मुतमईन नहीं होता अंदर से। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है बदला लेने की, लेकिन वो बोलते हैं छोड़ दो इसको, जाने दो, अल्लाह मेरा बेहतरीन बदला लेगा, और वो छोड़ देते हैं उसके ऊपर। ये कैसे, किस किस्म के लोग होते हैं? अजीम तरीन लोग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनसे बहुत प्यार करता है, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। क्या दिल में नरमी होती है इसलिए? नहीं, उनको ये मालूम है कि वो उनका यकीन पुख्ता है ना, उनका यकीन पुख्ता है कि जब रब कह रहा है कि तुम्हारा बदला अजर मैं दूंगा, नबी कह रहे हैं कि तुम्हारा अजर मैं दूंगा, तो वो मुझे ये अगर ये बात किसी को पता लग जाए बस, ज्यादा से ज्यादा वो दुखी हो जाते हैं, वो याद करके किसी ने उनके साथ अगर किया, लेकिन वो ये भी रिवार्ड वो चाहते हैं कि रिवार्ड अल्लाह ने उनके लिए रखा है। रिवार्ड तो इंसान की, रिवार्ड तो हर हाल में चाहिए, रिवॉर्ड तो हर हाल में चाहिए। अच्छा, रिवॉर्ड ज़रूरी नहीं है कि कोई मटेरियल रिवॉर्ड है ना। सूरह तौबा के आखिर के अंदर आता है कि बेशक जन्नत के अंदर मोमिनों और मुत्तकियों के लिए घर हैं और उसमें नहरें बहती हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये कि उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, और दरअसल यही सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ जन्नत में जाने के लिए, मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ कि मुझे दोज़ख में ना डाला जाए, और मैं समझता हूँ जन्नत दोज़ख नहीं चाहिए, मुझे रब की रजा चाहिए, इसलिए मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो ये दर्जात है, उस डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड फिर दौस इसीलिए कहते हैं। ये हाईएस्ट, एक तो स्टैंडर्ड ये है कि यार अल्लाह ने कहा मुझे छोड़ दो, बस ये इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, बस अल्लाह खुश हो जाएगा। और रब ये कह रहा है कि मैं तुझे बहुत दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ यार इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कि मैं बहुत दूंगा। अच्छा, ये जो बदला है ना, इसके अंदर बड़ी अच्छी लॉजिक है। कुछ लोगों की शख्सियत क्या होती है, 10,000 रुपए जो है वो किसी ने मुझसे उधार ले लिया, ऐसे 10,000 का इतना मेरा करेंसी थी डिवैल्यू हो गई है 10 लाख कर कुछ भी। मैं जब यहाँ पे अर्ली उसमें आता था कैनेडा से, तो मैं 10,000 की एग्जांपल देता था, आज तो मुझे अब 10 लाख की एग्जांपल देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त डॉलर जो है वो 35-36 रुपीज़ों का होता था, अभी 180 का है, तो इसलिए 10 लाख की बातें करनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने 10 लाख रुपये किसी ने मुझसे उधार लिए और अब वो मुझे दे ही नहीं रहा, भाई मेरा हक है ना, मैं मांग रहा हूँ। जब मैं उसे नहीं ले सका तो मैंने कहा मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मैं आखिरत में तुझसे लूंगा, मैंने माफ़ नहीं किया। ये सही, लोगों से क्या जाके कह रहा है मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ कहाँ किया, मैंने पोस्टपोन किया है, पोस्टपोन है, मैंने पोस्टपोन किया है कि ये मैं लूंगा अभी, क्योंकि ले नहीं सकता ना, मेरी ताकत नहीं, इसलिए आपने, इसलिए मैंने ये कहा। एक वो है जो वाकई मैंने माफ़ कर दिया, बच्चा मेरे हमारे सेंटर के अंदर जितनी थेरेपी है ना जी, और दुनिया के अंदर जितनी थेरेपी है वो लेट गो पे है, वो फॉरगिवनेस के यानी लेट गो एक्चुअली एक थेरेपी है, इसके अलावा कोई थेरेपी ही नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंतज़ार करते हैं मौके का कि ठीक है अभी तो हमने छोड़ दिया, लेकिन जब मौका आएगा ना तो ऐसा पलटवार करेंगे कि देखते रह जाएंगे, छोड़ा ही नहीं है ना फॉर द टाइम बीइंग, कि फॉर द टाइम बीइंग उस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो दिल में लेके बैठते हैं बदले की नीयत से, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है? उसको जो उसके साथ हुआ है ना, यहाँ वो जुल्म करेगा, एक बात मैं अभी बता दूँ, ये बड़ा बिलकिस्त निज़ाम है, बिलकिस्त का मतलब है कि ज़र्रा बराबर भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, राइट? यानी एक थप्पड़ के बराबर का थप्पड़ ये नहीं हो सकते कि उसने हल्के से मारा और आपने खींच के दांत मारने का, ये एक थप्पड़ नहीं हुआ ना जी, तो ये ज़्यादती होगी, ज़रा सा भी आपने ज़्यादा किया ये ज़्यादती होगी, जुल्म होगा, राइट? आप इसके भी जवाब दें, तो इसका फिर इसके भी जवाब दें, और फिर वो भी अपना हक मांग सकते हैं, फिर तो कभी एंड नहीं होगा ना, फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा ना, कत्लो गारतगरियाँ होंगी। तो ये वाली जो प्लान आपने कहा ना कि यार मैं जब मौका मुझे मिलेगा मैं ऐसा उतारूंगा, ये सिर्फ अक्यूमुलेट करेगा, और ये यकीन माने ये थप्पड़ नहीं मारेगा, घूसा मारेगा। अच्छा, ये लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं कंपैरेटिवली, तो दोस्त जो आपके मुंह पे उसी वक्त ही बात कर लें, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं साइकोलॉजिकली, कोई इनके साथ आप कह सकते हैं कि कोई इशू है या इस तरह की कोई दो किस्म के, देखो कमीने होते हैं आप देखिए ना, उसने अगर आपको
अपनी दिफा के अंदर, लेकिन कोई बात बदनाम ज्यादा वही होते हैं जो आउटबर्स्ट इनका रिएक्शन होता है और जो हर चीज क्योंकि वो जाहिर हो जाते हैं ना, लेकिन आप देखिए एक तहफ्फुज के अंदर एक बच्ची ने क्लास के अंदर उसको कहा कि मुझसे दूर रहना, अब इसके लिए उसको पूरा सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा सकता है, इसके लिए उसका आना जाना बंद किया जा सकता है, इसके लिए उसकी क्लास के अंदर उसकी किताब की चीज़ें रखी जा सकती हैं और प्लान किया जा सकता है कि कब जो है ये ऐसी जगह जाए और कब हम इस तरह की चीज़ें करें, तो ये तो कोई बताए अच्छा आदमी तो नहीं हुआ ना जो ये काम कर रहा है। और उसने आपको जो कहा उसका कोई मुहर्रिक होगा, उस मुहर्रिक के हिसाब से आप जवाब देते हैं, बहुत अच्छा है, तो आप समझ में आता है कि खैर मैंने अच्छा जो है वो जवाब दिया। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, अगर आपने उनको नीचा दिखाने के लिए, उसने मुझे नीचा दिखाया ना, मेरा राइट है, मैं भी उसको अब नीचा दिखाऊंगा बदला लेने के लिए, एक बदला ये है कि मैं इसको कामयाब होकर दिखाता हूं। इमरान साहब, कुछ लोग कॉन्स्टेंट कॉन्स्पिरेसीज भी कर रहे होते हैं, तो वो एक बंदा ऐसा होता है कि वो कॉन्स्पिरेसीज देख रहा होता है सिर्फ, वो कहता है होने दो और जो भी कॉन्स्पिरेसीज हो रही है अल्लाह मेरा हामी नासिर हो, तो फिर ये जो लोग होते हैं क्या ये लेट गो की जो थेरेपी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है यही बेस्ट थेरेपी है या उनको कहीं ना कहीं जवाब दे देना चाहिए किसी मोड़ के ऊपर, कितना उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि अब मुझे रिप्लाई करना चाहिए, इसका जवाब दीजिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर द ब्रेक, हम बात कर रहे हैं बदले के ऊपर और जाते जाते एक सवाल किया था आपसे इमरान भाई, उसका जवाब दे दीजिए। जी बेटा, क्या सवाल था वो? जी सवाल जो है कुछ इसी पैरामीटर्स के अंदर ही था, इंटेंसिटी की हम बात कर रहे थे कि अगर बदले की कब हमें ऐसा लग, मतलब कब हम ये सोच लें कि अब जो है ये इतनी हाई इंटेंसिटी पे चीज़ें जा रही हैं, अब मुझे कुछ बदला लेना पड़ेगा, वरना वो बंदा उसकी फितरत ऐसी है कि वो हर चीज़ को लेट गो करता है। इस सवाल के भी जवाब देता हूँ, लेकिन अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ तो सवाल ये था कि लोग बदला ले भी लेते हैं और फिर भी शिकायत करते नहीं, वो ऑलरेडी वो हो चुका था। मैंने सवाल ये किया था कि फॉर इंस्टेंस कोई लेट गो थेरेपी के ऊपर बिलीव करता है और वो कॉन्स्टेंटली छोड़ देता है, लेकिन कहाँ पे उसको ऐसा कहीं पे उसको महसूस होना चाहिए क्या, और क्या ये ज़रूरी है कि अब उसको भी बदला लेना ले लेना चाहिए जो कि जस्टिफाइबल बदलाव, कोई ऐसा ना हो एक थप्पड़ की जगह आपने बिल्कुल ही कुछ उठा के मार दिया उसके सर पे। ये मैंने कहा ना कि जब तक तवाज़ुन नहीं होगा, ये जो दीन फितरत है ये दीन मंतिक है, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक, कि कभी नहीं कहेगा कि किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्योंकि हमने सेंसिटिव मौजू के ऊपर गुफ्तगू की तो मैं चाहूंगी कि मैं अपना एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है लोग हमारी गुफ्तगू को गलत परसीव कर लें। हाल ही में सियालकोट का बहुत ही बुरा सानहा हुआ, जिस तरह इमरान साहब ने भी कहा कि ये टूथ फॉर टूथ एन आई फॉर एन आई हमारे लिए नहीं है, ये स्टेट के लिए है, यानी ये जुडिशरी का काम है और ये जुडिशल सिस्टम को ये काम करना है, तो आप कोई नहीं होते कोई सजा करने वाले, आपने एक सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट कर लिया, एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा ना उससे सुनने का मौका आपने दिया, तो बदले की जहां पर हम बात करें ये दो प्राइवेट मैटर की बात करें और वो उस इस तरह का बदला बात करें हम कि जहां पे नुकसान ना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आगाज में क्या कहा था कि कमरे पे अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है और मैं उसको थप्पड़ का जवाब उतने ही बराबर थप्पड़ से तो दे सकता हूं, लेकिन अगर पब्लिक में किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे अपने अथॉरिटी के पास जाना होगा और अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि मौका महल क्या था और मेरे साथ क्या होना चाहिए। इंसान ये बदला पब्लिक के अंदर खुद नहीं ले सकता। मतलब किस इंटेंसिटी के ऊपर आपको फील होना चाहिए? सवाल ये है कि मुझे अपना तहफ़ुज़ करना है, ठीक है, मुझे अपने आप को इतना मजबूत रखना है उस लेवल तक कि मैं बदला ले सकता हूँ, लेकिन मैं अब क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी, क्या ये बदला कहलाएगा या जवाब कहलाएगा? नहीं, मेरा रिस्पांस कहलाएगा, मेरा रिस्पांस क्या है, मैं इतने इस्तेकामत रखता हूँ, मैं इतनी इस्तेकामत रखता हूँ कि मैं उसको बहुत आराम से लेट गो कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि इस बदले के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो आपने लेट गो की बात की और थेरेपी की बात की, किसी इंसान के साथ एक वाकया एक बार हुआ, उसके बाद जैसे अभी मेरे पास एक जो है वो पेशेंट आई थी, उस बच्ची के साथ जाती हुई जब वो 21 साल की थी, अभी वो मेरे पास जब आई है वो 39 ईयर्स की है, तो मैंने कहा आखिरी बार किसी ने आपको इनअप्रोप्रिएट जो भी किया उस वक्त कब थे जब आप ताकत नहीं रखती थी कि अपना दिफा कर सके? उसने कहा 21 साल की थी जब मैं अपना दिफा नहीं कर सकती। मैंने कहा आज अगर कोई करता है तो कह लेंगे आज मैं उसको सबक सिखा सकती हूँ जो मेरे साथ उसने, किसी कोई भी अगर मेरे साथ करने की कोशिश करे, 21 साल से लेकर 39 साल तक जो रोज़ रिलिव कर रही है, ये ज़्यादती कौन कर रहा है? यानी अगर मैं अपनी उसको लेट गो नहीं करती, अगर मैं उसको जाने नहीं देती,
तो ये कौन लेट गो? लेकिन बहुत सेंसिटिव, बहुत बहुत देखिए पॉइंट ये कि आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं ना। देखिए मैं इस उस वाकये का तो कोई है ना कि वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसने अपने जिस्म पे कोई बाल नहीं छोड़ा, वो नोचती थी, उसकी भवें सर सारी गंजी हो चुकी थी, उसके साथ ज्यादती हुई थी घर के अंदर। और ये कि पता आखिर के अंदर क्या हुआ, मैंने कहा अब आपको बेसिकली जो अपने आप को जो डैमेज कर रहे हो ना, ये तो वो शख्स नहीं कर रहा, सही ये आप खुद से अपना डैमेज खुद कर रहे हो। तो अगर आप अपने आप को ये लेट गो नहीं करते हो, उस लेवल के ऊपर तैयार नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को खत्म कर रहे हो। अब आप बदला अपने आप से ले। सही इमरान भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूंगी, बहुत क्विक चाहूंगी इसका जवाब दीजिए, कि अक्सर हम बदला उन लोगों से लेते हैं जो हमसे कमतर होते हैं, जो हमसे ऊपर होते हैं, हायर सोर्सेस पे होते हैं, हम उनसे बदला लेने के लिए कोशिश भी नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। समझदार होते हैं ना, बड़ा कूट देगा। लेकिन इसकी इसके लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट का जवाब भी आपने देखिए, इंसान ताकत का इजहार करता है जी, इंसान ताकत का इजहार करता है। अब वो बदला हम उससे नहीं लेंगे, लेकिन अपने घर में जाके बीवी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे। लेकिन सर इमरान, आपने इसके ऑल्टरनेट भी एक जवाब दिया जो मैंने आपसे सवाल किया था, कि क्या अगर एक बंदा कैपेसिटी है बदले की लेकिन नहीं ले रहा, तो वो कौन है? आपने इसका जवाब दिया, वो अजीम इंसान है। सर कायनात बदला लेती है, निज़ाम बदला लेता है, अल्लाह जरूर लेता है। जालिमों की रस्सी बहुत लंबी होती नहीं है, और जो वो उनके साथ बदला लेते हैं ना, वो इबरत वाला बदला होता है। इसलिए बचना चाहिए उस ऐसे शख्स के साथ जुल्म करते हुए जो ताकत नहीं रखता और आपसे नहीं ले सकता। एक ताकत उधर भी है, एक ताकत मेरे आसपास भी है, वो जो बदला लेती है ना, वो उसकी आह का जो दर्द है, वो जो अर्श कांपता है ना, फिर वो ऐसा बदला लेता है कि बंदा सोच नहीं सकता। लेकिन जब हम खुद भी बदला ले लेते हैं, तो फिर तो हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई हमने बदला भी ले लिया, उसके बाद भी हम कहें कि भाई अब अल्लाह भी बदला लेगा। तुम छोड़ दो मुझसे ले लो, जब आप छोड़ दो, अल्लाह ने कहा तुम छोड़ दो मुझसे इससे ज्यादा ले लो। लेकिन जब बंदे ने डिसाइड किया ना कि नहीं भाई मुझे ये ज्यादा वाला नहीं चाहिए, जो आपने बच्चे एग्जांपल दिया, फिर ये साहब इधर ही बराबर, यहीं पर ही खत्म हो गया। फिर ये तवक्कुल करना कि अल्लाह और भी जो है वो करेगा, फिर ये खुशफहमी होगी। इसीलिए तो कह रहे हैं छोड़ दो। अगर ये बंदे को पता लग जाए कि मेरा अगर मैं बदला छोड़ दूं और मुझे क्या अजर मिलने वाला है जी, अगर ये बंदे को पता लग जाए तो फिर वो फौरन छोड़ दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इमरान साहब। डिटेल गुफ्तगू की हमने बदले के ऊपर, एक इंटेंस मौजू था, सेंसिटिव मौजू था, लेकिन साथ में कुछ अल्फाज में उन्होंने वक्त खत्म हो गया वरदा, और इंटेंस मौजू है, इसीलिए हमने जो है इसके ऊपर डिस्क्लेमर भी दिया, इमरान साहब ने भी दिया और हमने भी यही दिया, कि बदले की बात हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में और प्राइवेट मैटर की बात कर रहे हैं, लेकिन तवाजन के साथ। और ये भी बताया कि कहाँ कहाँ आपको फील हो जाना चाहिए कि अब आपको जवाब देना ज़रूरी है, और कहाँ कहाँ आप लेट गो की थेरेपी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, परदेसी ऑल।